नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बैठो बैठो। माँ के ऊपर निबंध लिखकर लाने को कहा था, लिखकर लाए हो? लिखकर लाए। दिखाओ किधर है। क्यों छोटे नवाब, तुम्हारा निबंध कहाँ है? मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते तुम? क्यों नहीं लिखा है? जमींदार के बेटा होने का घमंड है? चलो हाथ निकालो। माँ के बारे में दो शब्द लिखकर नहीं ला सकते हो? कम से कम मार खाते समय तो तुम्हारे मुंह से माँ माँ निकलना चाहिए। चोट लगने पर कोई भी माँ का ही नाम लेता है, पशु भी माँ माँ करके चिल्लाते हैं। तुम्हें क्या हो गया रे? बेचारे के माँ नहीं है सर। हेलो, कौन? मे आई नो हु इज स्पीकिंग? जस्ट अ मिनट सर। सर, दिल्ली से फोन है। हाँ मुकेश, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। नो नो, नॉट एट ऑल, नो प्रॉब्लम। हाउ मच? 5 लाख। ओके, बट ट्राई टू मेक द डील एट 4 लाख। मुनीम जी, क्या है बेटा? फोन में यहाँ से दिल्ली बात कर सकते हैं क्या? क्या बेटा, अमेरिका के राष्ट्रपति से भी बात कर सकते हैं? हमें किससे बात करनी है? फोन कैसे जानेगा? हमारे फोन लगाते ही एक्सचेंज में ऑपरेटर फोन उठाएगा। हमें किससे बात करनी है जब बताएंगे तो वो कनेक्शन देगा। बस हेलो। सुनिए, मुझे माँ से बात करनी है, उसे बुलाइए ना। वो तो भगवान के पास है। बेटा जरा फोन अपने पिताजी को देना। नहीं, मैंने पिताजी को कितनी बार कहा तो भी वो माँ को लेकर नहीं आ रहे। एक मिनट रुको। प्रमिला जी, बेचारा वेंकट जी का बेटा फोन करके अपनी माँ से बात करने के लिए कह रहा है। माँ, मैं तेरे लिए हर रोज रो रहा हूँ और तू नहीं आएगी बोल के। माँ तू नहीं आएगी कह के श्रेणु वेणु बालाजी टिकू सुन्ना सब मुझे रुला रहे हैं। माँ माँ, आज मास्टर जी ने माँ के बारे में ना लिखने के लिए मुझे मारा। मैंने तुम्हें एक बार भी नहीं देखा ना, इसलिए नहीं लिख सका। माँ मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। माँ माँ तुम घर आ जाओ ना। तुम नहीं आओगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। माँ माँ, पापा पापा पापा, मैंने माँ से बात की। माँ हमारे घर आ रही है। माँ झूठ नहीं कहेगी, माँ सच में आएगी। आएगी ना? बेटा सच में आएगी वो। अगर माँ नहीं आएगी तो मैं खुद माँ के पास जाऊंगा। बेटा नहीं, बेटा
मैं जरूर तुम्हारे लिए माँ लेकर आऊंगा बेटा। गंगा मौसी तुम जानती हो कल मेरी माँ आ रही है। सुनो फुलवा, शाम को मेरे सब कपड़े लेकर आना। अरे वेणु, श्रीनु, तुमने कहा था ना माँ नहीं आएगी, देखो कल माँ आ रही है। क्या माँ आ रही है? इसका बाप दूसरी शादी कर रहा है रे। ओ अच्छा, तो वो जो आएगी ना तेरी माँ नहीं मौसी है? नहीं वो माँ है। नहीं मौसी, कहा ना माँ है। नहीं मौसी। तुम कौन हो? मेरी माँ हो या मेरी मौसी हो? बोलो बोलो ना, माँ हो या मौसी हो? मैं तेरी मौसी नहीं बेटा, माँ हूँ। सच? सच में, ईश्वर की कसम। इतना बड़ा घर, बाप रे। अरे मेरी प्यारी बहना, इस घर का गहना। अरे मेरी बहना, मेरी बहना इतना कमजोर क्यों हो गई? मेरी बहना, मेरे इस घर का गहना। मेरी ननंद, मेरी प्यारी ननंद, मेरी जान। अरे मेरी प्यारी प्यारी बहना, इतना वीक कैसे हो गई है तू? क्या हो गया है तुम्हारा सर? ये बहुत पतली हो गई है ना। भैया मैं कल ही आई थी, एक दिन में पतली हो गई क्या? अंदर आइए। देखो ननंद जी, तुम्हारे भैया की सब जान तुम्हारे ऊपर ही है। 24 घंटों में 48 बार बहना बहना कह के जाप किया करते थे। ब्लड रिलेशन? देखो ना, रोज तीन तीन प्लेट खाते थे ना, कल दो ही प्लेट खाया इन्होंने। सच है ना? अरे साला बाबू, ये अचानक कैसे? हाँ जीजा जी, अपनी बहन को छोड़कर अब मैं नहीं रह सकता, इसलिए अपनी सारी खेती बाड़ी, गहने वहने, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ करके अपनी बहन के पास आ गया हूँ। साहब, हाँ? जब शादी करने के लिए आपके गांव आए थे तब हमें आपके घर में आपके अलावा गहने कपड़े वाहन ये सब कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। मुनीम जी। साहब। जीजा जी, अगर आप कहें तो मैं अपनी बहन की देखभाल करते हुए यही कुत्तों जैसा रहूंगा। आप हमें जो भी खाना देंगे वो हमारे लिए काफी होगा। अच्छा? आपका बचा हुआ मटन, मुर्गी, चिकन खाते हुए, बहन जीजा का जाप करते हुए हम यही कोने में दुबके रहेंगे, है ना जीजा जी? देखिए साले साहब, हमारा और कौन दूसरा रिश्तेदार है यहाँ पर, आप इसे अपना ही घर समझ कर रही है। आप कितने अच्छे जीजा जी हैं जीजा जी। नहा धोकर आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, तब तक मैं अपना काम निपटा कर आता हूँ। आप अपना काम देख लीजिए, हम अपना काम देख लेंगे। अंदर आइए। हाँ। आपका नाम क्या है? गिरीश चंद्र। आप अपने महान माँ बाप को मेरा प्रणाम कहना। क्यों भैया? दूसरों के ऊपर मुसीबत बनकर गिरते हैं आप, और उन्होंने आपका नाम गिरीश रख दिया है इसके लिए। ब्लड रिलेशन? हाय, अब क्या करूं? हाय, अब क्या करूं? सिस्टर नागेश्वरी, हो गया, हमारा घर पूरा डूब गया। क्या हुआ? अरे ये सारी जायदाद जीजा जी के नाम है, यही बोल करके तुम्हारी शादी की थी ना। हाँ। अरे तुम्हारे नाम तो चाय पीने का एक कप भी नहीं है। उस मुनीम को मस्का मार करके मैंने एक इन्फॉर्मेशन निकाली है। अरे जीजा जी के नाम तो एक इंच जमीन भी नहीं है, ये पूरी जायदाद उस छोटे नवाब के माँ की है। तेरे पति जस्ट उसके वॉचमैन है। इतना ही नहीं, तुम्हारी सौतन जाते जाते वसीयत में छोटे नवाब की शादी होने के बाद वो या उसकी बीबी दस्तखत करे तो ही ये सारी जायदाद किसी को बेच सकते हैं या ये दान में दे सकते हैं, और कुछ नहीं। हो गया, हमारा प्लान पूरा फ्लॉप हो गया। माँ देखो ना, गणित में मुझे कितने मार्क्स आए हैं। मेरा प्यारा बच्चा, तू जाकर नहा ले, फिर मैं खाना खिलाती हूँ। ठीक है माँ। आउट, ऑल आउट। इंडिया, पाकिस्तान, तेरे सर का फूल निकालिस्तान। ये छोकरा अनपढ़ गवार बनेगा तो हमारी मुट्ठी में रहकर लाइफ लॉन्ग गेम खोलेगा, ऐसा सोचा था मैंने। लेकिन अगर ये 100 में 100, 116 लाएगा तो हमारे हिस्से में सिर्फ मिट्टी ही आएगी। क्या कहना है, छोटा नवाब हमारी मुट्ठी में रहना चाहिए, वही ना? इतना ही, लेकिन वो इतना आसान नहीं देखो। है।
इस पल से मैं उसे कैसे पालूंगी वो तुम देख लेना। अब वो जिएगा तो माँ के लिए और मरेगा तो भी माँ के लिए। खाना ठीक से खाओ, ये पढ़ाई छोड़ो बेटा। ऐसा क्यों माँ, मैं पढ़ाई नहीं करूँ? पढ़कर क्या हासिल करोगे? हमारे मुनीम जैसे माँ जी बोल के नौकरी करने वाले उतना ही नहीं। उधर देखो वो सब कौन है मालूम है? इस तरफ खड़े हैं वो इंजीनियर हैं, वो बीच में खड़े हैं तहसीलदार हैं, और वो काली कोट वाले लॉयर हैं। वो सब इतनी पढ़ाई करके तेरे पिताजी के सामने क्यों हाथ जोड़कर खड़े हैं? क्यों हाथ जोड़कर खड़े हैं? हमारे पास पैसा है ना, इसीलिए बेटा। कितना भी पढ़ने वाला पैसे वालों के सामने हाथ जोड़कर ही खड़ा रहता है। तुम खूब पढ़कर भी उनके जैसा हाथ जोड़कर खड़े रहोगे क्या? या फिर अच्छी खेती बाड़ी करके खूब पैसा कमा के पैर के ऊपर पैर रखे ठाट से बैठोगे? तुम्हें क्या पसंद है? मुझे मेरा बेटा खूब पैसा कमा के पैर के ऊपर पैर रख के बैठे वो ही पसंद है। सुपर बहना, सुपर बहना, आखिर उस छोकरे की पढ़ाई बंद करवा ही दी। अब तो बस वो एक कठपुतली है, हम जैसा चाहें अब उसे नचा सकते हैं। देखो ऐसे ही अब जीजा जी के हाथों में जो चाबियां हैं, अगर वो भी हमारे हाथों में आ गई है तो तू होम मिनिस्टर और मैं फाइनेंस मिनिस्टर। भाभी सुनो, नारियल तेल की बोतल लाओ। अजी सुनते हो? हाँ। खाना खाने आइए। आ रहा हूँ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? उन्हें कोई खतरा तो नहीं है ना? सॉरी मैडम, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, अब इनके लिए चलना फिरना मुश्किल है। सुनिए दवाई ले लीजिए। अरे नहीं, मैं ये दवा नहीं लूंगा। ये दवाई नहीं है, टॉनिक है। दूसरी बोतल नहीं मिली इसीलिए नौकर इसमें ले आया। कौन है वो नालायक? उस नालायक के बारे में बाद में देखेंगे, पहले अपने बच्चे के बारे में सोचो। क्यों, अब उसने क्या किया है? 10 दिन से स्कूल नहीं गया है। क्यों बेटा, पूछा तो कहता है तुम्हें क्या है, और गंदे बच्चों के साथ बीड़ी पी रहा है। ये बात मुझे बताने के बजाय तुमने उसे मारा क्यों नहीं? मारूंगी तो गाँव वाले मुझे ताना नहीं देंगे, कहेंगे मौसी बहुत सता रही है। छोटे नवाब, छोटे नवाब, आप रुकिए, मैं उसे भेजती हूँ। कहाँ जा रहे हैं? पापा बुला रहे हैं। नहीं बेटा, तुम पापा के पास मत जाओ। क्यों माँ? वो पी रहे हैं इसलिए मत जाओ। पापा पी रहे हैं? हाँ बेटा, दोनों वक्त पी रहे हैं। मत पियो कहा और बोतल छीनी तो मुझे लात मार दी, जोर से मारी। उन्होंने तुम्हें मारा? क्यों रे, गंदी आदत सीख रहा है तो? क्यों, तुम नहीं सीख रहे? मेरी बात का उल्टा जवाब देता है बदतमीज, सुधारना नहीं चाहता तू? तुम्हें सुधरना नहीं है क्या? ये क्या किया रे तूने? तमीज कहीं का? क्यों मार रहे हैं? छोड़िए, सुधारने के बजाय तू और बिगड़ता जा रहा है। छोड़िए, छोड़ूंगा मैं ये सब। क्या कर रहे हैं जीजा जी? छोड़ो इसे, चलो छोड़िए, छोड़िए, छोड़ दीजिए। तुम लोग बीच में मत आ, निकलो यहाँ से। मैं अरे छोड़िए ना सिस्टर, अभी सिखाता हूँ। जीजा जी को देखकर लगता है ये पूरे पागल हो गए हैं। ए सुन,
मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। ये पागल जैसी बातें, सिस्टर दूर रहो इनसे, दूर रहो। मैं तुम्हें तुम्हें मार डालूंगा। बहना चलो चलो निकलो यहाँ से, बहना समझ सकते हो आपको? मैं कह रहा हूँ ये पागल बोलता है, चलो चलो जल्दी करो, बदतमीज कहीं का, निकल यहाँ से। क्या हुआ पूछ रहे? अरे जीजा जी पागल है, अरे चलो 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 बंद बंद करो, अरे चलो चलो दोबारा यार मत करो। हे भगवान, नाग देवता, पिता की मार को ना सह पाकर मेरे बेटे ने 3 दिन से आंखें नहीं खोली है, इसे बचा लो, मेरे बेटे की जान बख्श दो, चाहिए तो मेरी कोख में पलने वाले बच्चे का बलिदान ले लो। इसे कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रहूंगी, मेरे बेटे को बचा लो। बेटा, नाग देवता शक्तिशाली माँ है, मेरी प्रार्थना सुनेगी, मेरे पेट में पलने वाले बच्चे की जान लेकर तुझे जीवित रखेगी। एक बार इस देवी को प्रणाम करो बेटा। अम्मा मेरी माँ, अम्मा बोले तो माँ करुणा से देखो माँ, दाता मेरी तू है माँ, आशीष की देवी है माँ, आशीर्वाद दे दे माँ। मोम जैसे मनने वाली माता तू है, हर घड़ी साथ मेरे रहती तू है, तू ही मेरे माता पिता, तू ही सुबह शाम है, तुझसे ही मेरा ये जन्म। अम्मा अम्मा मेरी माँ, अम्मा बोले तो माँ करुणा से देखो माँ, दाता मेरी तू है माँ, आशीष की देवी है माँ, आशीर्वाद दे दो माँ। माँ की गोद में चैन से सोए जननी से ही सारे तक होगा इंसान का जन्म। हाँ ये सच है, सपने भी माँ के आशीष से ही पूरे होते। प्राण में मेरे, ध्यान में मेरी माँ के चरणों में सब कुछ। माँ है तो मैं हूँ, मेरी माँ से ही जीवन का रुख। ब्रह्मा का वरदान है माता, शत बार प्रणाम, सबसे पहले बच्चे के मुंह से निकले माँ का नाम। देवों को मना लूंगा मैं, वक्त को समझा दूंगा मैं, माँ मेरी साथ में घर हो। अब
अम्मा अम्मा मेरी माँ, अम्मा बोले तो माँ करुणा से देखो माँ। दाता मेरी तू है माँ, आशीष की देवी है माँ, आशीर्वाद दे दे माँ। अम्मा आने से पहले जल्दी से खा लीजिए। जिंदा रहने के लिए अगर मुझे अपने ही घर में चोरों की तरह खाना पड़े तो मर जाना उससे बेहतर है। सुनो तो मुझे जरा जहर लाकर दे दो बाबूजी। हाँ बेटी, मरने दो मुझे। पागल की मुहर लगाकर मुझे इस कमरे में डाल दिया है उन राक्षसों ने। इस बात का मुझे उतना दुख नहीं है, लेकिन उस कमीनी की बात मानकर मेरे कलेजे का टुकड़ा भी मुझे पागल समझता है, वही मेरे दिल को जला रहा है। दुखी मत हुई बाबूजी, किसी न किसी दिन छोटे नवाब सच्चाई जान लेंगे, आपके अच्छे दिन आएंगे। खाइए ना। इस घर में हाथों से काम करना है, मुंह से नहीं। भूख लग रही है क्या जीजा जी? ठहरिए, खाता हूँ। क्यों जी, तुम इंसान हो या जानवर? भाई साहब भूखे हैं और तुम अकेले जानवरों से सा खा रहे हो, मुझे भी खिलाओ। ये लो। अरे किस अंडे का पैदा हुआ मुर्गी। अरे जीजा जी आप भी खा लो। माँ मैं शाम को निकलूंगा। फीस भरने का बोला था ना, कितना चाहिए? 2000 रुपए। हाँ ठीक है ले लो। और सुनो, अच्छे से पढ़ाई करना, कोई गलत काम मत करना, नहीं तो खेतों में गोबर पीसना पड़ेगा, वो भी छोटे नवाब की तरह। पैसा पैसा कह के मेरी जान खाएगा तो कहाँ से आएगा पैसा? अपने भाई को देखो, कैसे दिन रात मेहनत करके पैसा कमा रहा है, महाराजा की तरह शान से जी रहा है। तुम भी ये सब बंद करके भाई की मदद करो। मेरे बस की बात नहीं है, मैं पढ़कर डॉक्टर बनूंगा। नहीं पढ़ा सकती हो तो बोलो, मैं कुछ और कर लूंगा। क्या बकवास लगा रखी है, क्या बात है? रूटीन, सिस्टर मत पढ़ो बोलती है, ब्रदर पढ़ूंगा बोलता है, डिफरेंस। हर महीने 1000 रुपए हम कहाँ से लाएंगे? माँ छोटा भाई डॉक्टर बनेगा तो हमारी कितनी इज्जत बढ़ेगी, लोग जब तुम्हें डॉक्टर की माँ कहेंगे और मुझे डॉक्टर का भाई कहेंगे तो हमें कितना अच्छा लगेगा। तू पढ़ाई करे। ऐसा नहीं बेटा, पैसे पैसे के बारे में भूल जाओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 3000। फिर वही, मैंने मना किया था ना, इंग्लिश में बात करेगा तो मेरी समझ में नहीं आएगा। मामा कितना मांग रहा? 3 मतलब 4 4000। बस इतने से? माँ दे दो ना इसे। देने के लिए माँ के पास है ही क्या चाबी के बंच के सिवाय? जो भी है वो भी बैंक में ही है, डालना निकालना तो बस तुम्हारे हक में है बेटा। ये लो चेकबुक, साइन करो और जितना चाहे उतना निकाल लो। कितनी बार कहा है मुझसे लिखा पढ़ी की बातें मत किया करो। मामा बोलो बेटा, 4000 लिखने के लिए 4 के पीछे कितने शून्य लगाने होंगे? 1000 को 1 शून्य, 4000 बोले तो 4 शून्य बेटा। मुझे भी यही लग रहा है। ये ले, अच्छी तरह से पढ़ाई करना। थैंक यू भैया। भांजे 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 भांजे, मैं भी तुमको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। किस लिए? मैं भी एक चेक लेना चाह रहा हूँ बेटा। तुम्हें क्या बीमारी है? बीमारी मुझे नहीं, तेरी मामी को है, डॉक्टर को दिखाना है। 1000 साइन कर दो। ठीक है, ये लो। थैंक्स। भांजे भांजे भांजे, मैं ये तो सिर्फ 10 रुपए है, मैंने तो 1000 बोला था। 1000, 4000 के पीछे 4 शून्य, 1000 के पीछे 1 शून्य, तुम ही ने बताया था ना। मुझे धोखा देना चाहते हो? मैं इतना भोला भी नहीं हूँ, पढ़ाई नहीं की तो क्या हुआ। जाइए। ला ला ला। वाह रे मेरे भांजे, मेरे दांव से मुझे ही मारा, बेटर।
क्या माँ, किसका इंतजार कर रही हो? छोटा नवाब आने वाला था, अभी तक नहीं आया। पैसा दे दिया ना, अब उससे क्या काम है? तेरे लिए कुछ लाने गया है। ए छोटके, तुम्हें पसंद है ना? देख तेरे लिए आगरे के पेठे लेकर आया हूँ, ले ले। ये सब क्यों? अरे क्यों, क्या पूछता है? तेरे खाने के लिए और किस लिए? ए तुझे पैसे चाहिए तो खत लिखना। हाँ नहीं नहीं, फिर किसी से पढ़वाना पड़ेगा, फोन करना। ए अच्छे से पढ़ाई करना, माँ का नाम रोशन करना, ओके? ठीक से संभाल के फोन करना। आप अपना मुंह मत मोड़िए माँ जी, एक बार मेरी बहन के चेहरे की ओर देखिए। आपके यहाँ गिरवी रखे गहने नहीं छुड़ा पाया तो इसके ससुराल वालों ने इसे बाहर निकाल दिया है। तो इसमें मैं क्या करूँ, पैसे दे के गहने ले जाऊँ? ब्याज के साथ तो पूरा पैसा चुका दिया था माँ जी। पैसे दिए होते तो पूरे गहने दिए होते। माँ जी आपके हाथ जोड़ता हूँ, झूठ मत कहिए आप। मेरी बहन की जिंदगी है वो गहने, आपकी बेटी समान है ये। गहने देखकर मेरी बहन की जिंदगी बचा लीजिए माँ जी। आपके पास जितना है उसके सामने वो गहने कितने के हैं? वो गहने नहीं लाया तो उसका पति उसे छोड़ देगा बोल रहा है। वो छोड़ देगा तो तुम रख लो। क्या बोला तुमने? मेरी बात के ऊपर हाथ उठाता है? पर हाथ लगाने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं कह रही हूँ छोड़ दो उसे। अरे चलो 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 चलो, उठो 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 उठो। क्यों तू उससे मार खाता रहा? उसकी माँ ने तेरे साथ जो धोखा किया है वो तू उसे बता सकता था ना। तू बोल रहा है ना छोटे नवाब ने सुना तो तू भी मरेगा, समझ लेना। ये क्या कह रहे हो, वो भी धोखेबाज। उनके बारे में कुछ और बोला ना तो तुझे भी मारेंगे। ये क्या कह रहे हो? और नहीं तो क्या, हमारे छोटे नवाब को धोखेबाज बोलता है? हमारे छोटे नवाब सच में नवाब है, लेकिन वो माँ जी के बारे में भगवान भी बोल दे तब भी नहीं सुनते हैं। वो जो बोलते हैं वही होता है, समझ गया ना? क्या क्या मालूम, आराम आराम है। सब लोग पूरी मेहनत से काम करो, दोपहर से पश्चिम वाले खेत में काम करना है। ए राजकुमारी, तुम्हारा इंटरवल चल रहा है क्या? अगर आराम करना है तो पंप शेड में जाकर कर, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। किस लिए? और किस लिए? मुझे नहीं चाहिए। ए तू नहीं मानेगी तो मैं जहर पीकर मर जाऊंगा। तू जानती है ना मैं तुझे कब से लव करता हूँ। अरे बहुत ललचा रहा है, ठीक है जल्दी आ। ए लड़कियों तुम लोग मेहनत और लगन से काम करना, मैं पंप शेड में जाकर मोटर ऑन करके आता हूँ। क्या भाई पंप शेड में जा रहा है? मोटर ऑन करने जा रहा है। छोटे मालिक किधर है? क्यों पूछ रहे हो? तेरे पंप शेड का किस्सा उन्हें बताने के लिए। तेरे हाथ जोड़ता है, उन्हें कुछ मत बताना। ठीक है चल 50 का मार। जरा उसको नीचे उतारो। एक दो तीन चार पाँच छह। अरे अरे ऐसे क्यों मार रहे हो? तुमने 50 मारने को कहा था? मारने के लिए कहा था, घूस है नहीं। ये बात है, तुझे एक कौड़ी भी नहीं मिलने वाली है। अगर तुझे इतनी जरूरत है ना तो छोटे मालिक से दिलवा देता हूँ, जा टकला होकर के आ जा। टकला क्यों? अपना कान ही दबड़ा, दांत नहीं कान बोला, चल जा। क्या खुसफुस कर रहे हो, अंडे निकालो। हाँ? ये अंडा है क्या? ये टकला कौन है? ये है अपने दंतेश्वर महाराज। दंतेश्वर तू है क्या? ये क्या तेरे माँ बाप गए? बाप रे बाप, माँ बाप वो तो बिल्कुल ठीक है जी। फिर तू टकला क्यों हुआ? वो क्या है कि बताऊँ क्या? तू रुक जा मैं बताता हूँ ना।
आज जब वहाँ उस रेलवे स्टेशन पर माजी का गला दबाकर उनकी जान लेने की कोशिश करते हुए उस गुंडे को देखा तो इसने दुखी होकर मन्नत मांगी कि माजी को कोई खतरा ना हो और ये सीधा तिरुपति चला गया और वहाँ अपने बाल का चढ़ावा चढ़ाकर टकला हो गया। सच में मेरी माँ के लिए तूने सुर मुंडाया? इसे कहते हैं यकीन, इसे कहते हैं विश्वास। आज से तू दंतेश्वर नहीं, मेरा छोटा भाई है। भैया भाई भैया भाई भैया अरे ए उमेश जी, मेरे छोटू को कितनी मजदूरी मिलती है? 50 रुपए साहब। अबे तेरी तो दिमाग को गिरवी रख दिया है क्या? आज से 60 कर दो। ए उमेश जी, मछलियों का अच्छा खाना देना। जय कृष्णा, हरि गोपाला, गोविंदा गोविंदा। इतने सारे टकले कल जब इन्हें पता चला कि माजी के पाँव में कांटा चुभा है तो इन सबको लगा कि इनके दिल में कांटा चुभा है। इसके बाद से इस गांव में कांटों वाला एक पेड़ भी ना उगे ताकि माजी को कभी कांटे ना चुभे, ये मन्नत मांगकर ये सारे अपने बाल मुड़वा कर आ गए हैं। अरे मेरी मच्छी के कांटो, मेरी माँ के ऊपर कितनी श्रद्धा है, आज से तुम सब मेरे छोटे भाई हैं। करेक्ट बेटा उमेश बाबू, कल से मेरे छोटे भाइयों की मजदूरी 5-5 रुपए कर दो। कॉफी नहीं है, 10-10 कर दो। बस। और घटा दो। मेरी धोती की जरी मुझको ही टोपी पहनाने के लिए आए हो। कल दाढ़ी बनाने के लिए नाई को खबर भिजवाई तो उसने कहा कि 30 लोगों को टकला करना है, इसलिए आज नहीं आ पाऊंगा। तभी मुझे शक हो गया था। ये सब लुच्चे लफंगे हैं, भगवान का नाम लेकर सबको धोखा देते हैं और माजी का नाम लेकर के ये सब आपको। नौटंकी वालों की तरह ओवर एक्टिंग मत करो। मुझे पता है कि इन सबको ये सब करने की सलाह तूने ही दी है, इसलिए इस महीने से तेरी तनख्वाह 200 रुपए कट। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। दिन में 10 बार कहते रहना, भला होगा। गोविंदा 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 गोविंदा। तू यहाँ क्यों आया? सतारा शादी के लिए जाना है, माजी ने बुलाया है। ठीक है ये ले जाओ, आता हूँ। ए सुधा देखो दूल्हा आ रहा है। मैंने आंख बंद कर ली, आप ले लीजिए। तेरा भी जवाब नहीं मेरी जन्नत की ओर, तू कितनी खूबसूरत है। अरे मेरी पूरी की बाजी, तू यहां है, आता हूं। खाइए ना भैया, मिठाई तो है। बहुत हो गया। खा लो जीजा, स्वीट ही है ना। मुझे क्यों नहीं दिया? आपको शुगर है ना चाचा? तुम्हें शुगर है ना मामा? लीजिए भाभी जी, आप ही खिलाइए। हाँ ये ले मेरी बहन, ये भी परोस। हाँ? इतनी सुंदर लड़की को बहन बोलते हो, आँख फूटेगी तेरी। टांग भी जाएगी तो चलेगा, तू बहन जैसी है। बदकिस्मती तेरी। अरे नहीं, आप अंदर पैर मत रखिए, मत रखिए पैर अंदर। क्या बोल रहे हैं आप? मैं अंदर नहीं जाऊंगा तो दक्षिणा कौन देगा? मैं दूंगा, शादी हो जाएगी तो दक्षिणा मैं दूंगा। ओके ब्रदर, कैरी ऑन। थैंक यू ब्रदर। आओ बेटी रोजा। हाँ। जल्दी आ जाओ बेटा। आ रही हूँ पापा। दूल्हा दिखने में कैसा है रे? मस्त है, ठीक है, एवरेज है। अरे संसार करेगा तो हिट होगा ना। और दुल्हन कैसी है? सुपर हिट। मैं कुछ बोलता हूँ तो भाग क्यों जाती है? देखो ब्रदर, अपनी भाभी से बात करनी है तो तुम्हें एक काम करना है। क्या करना है? उसे देखो, उसके बालों से गुलाब निकालकर
हमारी भाभी को देना है, फिर वो तुम्हारी बात भी मानेगी और गाना भी गाएगी। अरे मेरी सुई में धागा, ये बात इतनी देर से क्यों कही? अभी लेकर आता हूँ। अरे बाप रे, ये क्या फूल निकाला तो गुलदस्ते के साथ आ गया। हाँ बाप रे, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे 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 क्या करूं, कहाँ जाऊं? अरे हट हट, अरे अरे मैंने कुछ नहीं किया। ए रुको, मेरे पास मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज। ये शादी नहीं हो सकती, ऐसा कोई फिल्मी डायलॉग है क्या? है पंडित जी। ए? ए? क्या समझे जी, दहेज पूरा दिया फिर भी क्या समस्या? हमने है? दहेज तय किया था बजट से पहले, कल के बजट में सब रेट बढ़ गए, इसलिए मेरे बेटे का रेट और 25,000 बढ़ गया। मैं नहीं दे पाऊंगा समझे तो जी। मेरा बेटा शादी नहीं कर पाएगा। तो चलेंगे पापा। अरे आप जा रहे हैं ना, वहाँ पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर आपका इंतजार कर रहा होगा। सब इंस्पेक्टर क्यों, उनकी बेटी भी अभी तक कुंवारी है क्या? नहीं, अच्छी तेज लाठी है। लाठी? लाठी किस लिए? मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करूंगी ना, आपने दहेज की वजह से इनकार कर दिया, तो पुलिस स्टेशन वाले आपको उसी लाठी से पीटेंगे। शादी हो गई ना, अब सुहाग के कमरे में भेजेंगे। कमरे में चले गए ना, अब शादी का खाना भी खाएंगे। खाना मिला, खा लिया आपने? मेरा बेटा शादी करेगा, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। जा रे, जाके बैठ। अरे मंत्र शुरू करो। मंगलम पुंडरी काक्षाय मंगलाय तनोहरी, लड़की को मंगल सूत्र पहनाइए। बेटी तुम्हारी वजह से ये शादी हो गई, लेकिन ससुराल में ये लोग इसे सुख से रहने देंगे क्या? आप चिंता मत कीजिए चाचा जी, मर्द ना शादी से पहले ही माँ बाप की बात सुनता है। सुहागरात के बाद वो अपनी बीवी की हर बात मानता है। ये बात अगर लक्ष्मी नहीं जानती तो मैं उसे बता दूंगी, आप चिंता मत करिए। ये लो। आओ मास्टर। मास्टर क्या? शादी में जो लड़की आपके साथ घूम रही थी वो लड़की कहाँ है? किस लिए? उसने कुछ फोटो खिंचवाए थे, वो उसे देने थे। फोटोस लाए धर दे। क्यों दूं? आप लड़की के कौन है? शादी करूंगा तो शोहर बनूंगा, और नहीं करेंगे तो मटके की दही बनूंगा। तुझे ऐसे क्या, तुझे फोटो देने से मतलब ना, ला दे। ए उमेश। हाँ छोटे नवाब। फोटो देखकर बता कि ये लड़की कैसी लगती है। हाँ क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, आप छोटे नवाब नहीं है, आप तिरुपति बालाजी हैं। ये बताइए, इतने बदसूरत लड़के के साथ इतनी खूबसूरत लड़के की शादी की बात क्यों कर रहे हैं छोटे नवाब? चिंता मत कीजिए, तुरंत ही से बच्चा पैदा करके आपके नाम कर दूंगा उसे। क्या देगा बे, मेरी चटाई के नीचे के पानी? ये कौन है पता है, मेरी होने वाली बीवी। अरे बाप रे, ये कैसा मजाक था, मुंह में आकर छीन लिया आपने। वो छोड़ो, तेरी भाभी कैसी है ये बता। चेहरा तो बिल्कुल पीतल की तरह चमक रहा है। पीतल क्या होता है बेवकूफ, सोने जैसी दिखती है। हमारी जोड़ी कैसी है पता है? अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको तो यहाँ खेतों में नहीं, फॉरेन लोकेशन में जाकर वहाँ ड्रीम सीक्वेंस शूट करना चाहिए। ये कातिल आता ओने लूटा है मुझको, जाने जहाँ जाने मन, जाने जाना, जाने जाना। न मीठी मीठी बातों से लुभा मेरे मन को, मेरे जाने जिगर, जाने मन, जा
जा। तेरी है चाल मस्तानी। नहीं मैं लड़की दीवानी। क्या करूं आए समझना मैं तेरे संग हाँ हाए। जाने जाना जाने जाना। न मीठी मीठी बातों से लोभा मेरे मन को मेरे जाने जगर जाने जा। तेरी ये कातिल अदाओं ने लूटा है मुझको जाने जहाँ जाने मन जाने जाना जाने जाना। जो चमके कमर जो लटके ये लटके झटके मुझे नहीं कटके सोच ले हो सोच ले। वो तेरा काम प्यार का पैगाम। दिल में तो हौले हौले सांसों में धीरे धीरे धड़कन में आके जरा बस जा तो। तेरे लिए मैं बना मेरे लिए तू बन आंखों में मेरी बस जा। नहीं मैं लड़की दीवानी। तेरी है चाल मस्तानी। करो तुम जो भी है कातिल अदाओं ने लूटा है मुझको जाने जहाँ जाने मन जाने जाना जा जा जा। करो नजरों से वार करो पहले इकरार करो फिर इजहार करो प्यार से हो जाना प्यार से। तुझको मनाऊ मैं अपना बनाऊ मैं दिल में बिठाऊ मैं सपने दिखाऊ मैं प्यार से राजा प्यार से। तू है मेरी मैं हूँ तेरी। आजा बाहों में मेरी करती है क्यों तेरी प्यास बुझा दे मेरे दिल भर तू। नहीं अभी तो नहीं आएंगे फिर कभी है चाल मस्तानी। नहीं मैं लड़की दीवानी। करूं क्या आए समझना मैं तेरे संग हाँ हाए। जाने जाना जाने जाना। न मीठी मीठी बातों से लोभा मेरे मन को मेरे जाने जिगर जाने मन जा 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 जा। तो एक काम कीजिए। क्या? मेरी तनख्वाह 300 रुपए बढ़ा दीजिए। उस लड़की को 3 दिन में लाइन पे ले आऊंगा। हाँ अगर तू हम दोनों को मिलवा देगा ना उमेश तो 300 क्या 600 बढ़ा दूंगा। तो कल ही मिलवा दूंगा मैं। कहाँ? बिना आंखों का अंधा हूं। दान कीजिए दान कीजिए दान कीजिए। थैंक यू सर। सवेरे से हम दोनों दर्द भटक रहे हैं लेकिन लड़की दिखाई नहीं दी। वो आएगी? गारंटी देता हूँ साहब वो जरूर आएगी। आपको परेशान कर रहा हूँ ये मत सोचिएगा। आप उस ओर जाके ढूंढिए मैं इस ओर ढूंढता हूँ। कैसे नहीं दिखेगी देखते हैं। अरे वाह अरे मेरी ब्रेड के मक्खन तुम यहाँ हो। क्या हुआ बहना? उस दिन शादी में मेरा फूल खींचकर अब पीठ पर हाथ लगाकर भागा। उसने ऐसा किया? कहाँ है वो? दिखता नहीं क्या? पकड़ लिया वो रही भाभी।
पकड़ लिया पकड़ लिया। भैया आ जाओ, भैया आ जाओ, भैया आ जाओ। अब क्या हुआ बहना? ये मेरा आंचल खींच रहा है। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बहन का आंचल खींचता है, छोड़ूंगा नहीं। ये लीजिए साबुन, बैलून फोड़ा था ना आपने, क्या मुझे साबुन देता है? तेरी तो क्या? क्या मिलेगी साहब, वो मुझे लफंगा समझ रही है। भाभी वो रही, उसके साथ वो कबाब में हड्डी कौन है? मामा का लड़का होगा। ऐसी बातें करेगा तो दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे, भाई होगा उसका। ऐसे कीजिए, आप साड़ी खरीदिए, मैं जीप लेकर आता हूँ। ठीक है चलना। भाभी जी जा रही है, फॉलो करते हैं, चलो। तो मुझे फॉलो करोगे, उसको नहीं, मेरे पीछे आओ। ठीक है, बहुत अच्छी है वो साड़ी, तुम पर अच्छी लगेगी, ले लो। वो कौन है? उस दिन शादी में परेशान कर रहा था ना, वही है ये। ये हमें देखकर क्या कुसुर पुसुर करने लगी रहे? ये लड़कियां है ना, मुझे देखकर ऐसे कुसुर पुसुर करती रहती है। ये कैसी है? सुपर है, बहुत अच्छी है। उसके साथ ये भी एक मीटर ले लो, बहुत मोटा है। वो क्यों? वो ब्लू पीस बहुत पतला है, चोली इससे सिलवाना, बदन नहीं दिखेगा। प्यार से बात नहीं कर सकते, कोई तुमसे शादी नहीं करेगी, कोई तुम्हारा घर नहीं बसाएगी, चलो। सुनो सुनो सुनो, कौन हो तुम? किसी और का रेप किया था तो तेरे बाप ने मेरे खिलाफ गवाही देके मुझे जेल भिजवाया था, अब मैं यहाँ तेरा रेप करूँगा, फिर देखता हूँ कौन सा बाप तुझे यहाँ बचाता है। बचाओ, छोड़ो इसे, कौन हो तुम? अगर तुम सब यहाँ से नहीं गए तो तुम सबका सर काट दिया जाएगा, चलो चलो चल। शिवाजी, शिवाजी बचाओ, चल शिवाजी, कोई बचाने नहीं आएगा, चल छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, चल। अगर जान प्यारी है तो इस लड़की का हाथ छोड़ दो, और अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो आगे बढ़ के दिखाओ। चुपचाप चला जा वरना दुनिया से गायब हो जाएगा। ए, उमेश से गेम्स मत खेलना, जान चली जाएगी तुम्हारी। अबे चूहे की औलाद, मुझे धमकी दे रहा है, मुझे धमकी दे रहा है। बाप रे, नहीं 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 नहीं, इस गमछे को चेन समझ कर आपने समझा कि मैं आपसे लड़ूंगा? आप बड़े मजाक आए भाई, डायलॉग पार्ट सिर्फ मेरा है, एक्शन पार्ट तो छोटे नवाब का है, छोटे नवाब, छोटे नवाब। लो आगे निपट लो इनसे तुम, मैं तब तक आराम करता हूँ। Oh!
आइए चलिए। अब ये बेवक्त की बारिश पता नहीं कहां से शुरू हो गई, लगता है ये जल्दी रुकने वाली नहीं है। आ जाओ, यहां बैठने से ठंडी नहीं लगेगी, आ जाओ।
अर्जुन फागुन पार्थ। वो क्या है? इससे बिजली हमारे ऊपर नहीं गिरेगी, ऐसा माने कहा था। आपको अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? उस गुंडे के पास मुझे छोड़कर सब भाग गए थे, आप क्यों नहीं भागे? आपको अपनी जान प्यारी नहीं है? है तभी तो नहीं भागा। मतलब? मेरी जान तुम ही तो। उस दिन शादी में जब तुम्हारी चुनरी मुझ पर गिरी तो तुम पर दिल आ गया। सुनो मेरी आंखों की नूर, तुम शर्माती बहुत हो। देखो अगर मैं भी तुम्हें पसंद हूँ तो माँ से कह के तेरे घर वालों से बात करके मुहूर्त निकलवा दूँ। तुम रो क्यों रही हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? कल सवेरे मेरी शादी है। मेले में जिस लड़के को आपने मेरे साथ देखा वही मेरा होने वाला पति है। अब तक तो पूरे बराती मंदिर पहुंच चुके होंगे। मैं भी पागल हूँ, तुम्हारी शादी का पता नहीं था इसलिए प्यार कर बैठा। बुरा मत मानना, लाखों बातें सोचते हैं, सब पूरी होती है क्या? विधि का विधान कौन बदल पाए है? चलिए। रुको, अब तक कहाँ थी तुम? बोलो, रात भर किसके साथ रंगरेलियां बनाई? बोलो। ये पूछने वाले तुम होते कौन हो? तुम्हारा होने वाला पति। क्या कहा, होने वाले पति? उस गुंडे के पास मुझे छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग निकले थे। तुम पति हो? पति बहादुर होता है, तुम जैसा कायर नहीं होता। ये क्या कर रही हो बेटी? हाँ पिताजी, अपनी जान पर खेलकर इन्होंने मुझे बचाया नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं आती, मेरी लाश आती। कल बचाया तो अब आई हो? मतलब रात भर उसका कर्ज चुका रही थी क्या? क्या बकता है? भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ, ये लड़की पवित्र है, अग्नि की तरह। तो फिर रात की बारिश में बुझ गई होगी। बेटा, मेरी बेटी वैसी नहीं है। मंडप में शादी रुक गई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये शादी होने दीजिए, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। इसके पैर पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये शादी नहीं करना चाहता तो मैं भी नहीं चाहती। क्यों, इस मर्द के ऊपर मन चला गया क्या? तुम पर से दिल उठ गया है। एक रात के लिए अपनी बीवी पर यकीन नहीं कर सकते, जिंदगी भर के लिए क्या यकीन करोगे? तुम यकीन करो या नहीं, तुम्हारे लिए मैं ही चाह रहा हूँ। कम से कम अब तो मेरे पाँव पड़ो। अगर मैंने कोई पाप किया है तो भगवान मुझे सजा देगा। तुम सजा देने वाले कौन होते हो? जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तू किसी की बीवी तो क्या, किसी की रखेल भी नहीं बन सकती। कल आपने मुझे गुंडे से बचाया, आज मेरी इज्जत बचा लीजिए। अब मेरे पास दो ही रास्ते बचे हैं। एक, गांव वालों के सामने आप मुझे मंगलसूत्र पहनाएंगे। दूसरा, मैं खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दूंगी। फैसला आपके हाथ में है। तंदुनानेन मम जीवन जेसुन कंठे भद्रम शुभ संजीव शरदर्शन। सुपर वन बावली है, कुछ नहीं जानती है। ऐसी बावली तो पूरे इंडिया में नहीं मिलेगी। मेरी सिस्टर, ए मेरी सिस्टर है। अरे भावरे, नमस्कार जी, नमस्कार जी। कितना पढ़ी हो बेटी? जी जी जी, वो हमारे खानदान में नहीं चलता। आपकी नजर में हम पढ़े लिखे दिख रहे हैं क्या? बहुत अच्छे। ये कितनी उंगलियां हैं बेटी? अरे वो भी नहीं जानती, 16। मेरी प्यारी, मेरी प्यारी, तुम्हें इस देश का वित्त मंत्री बनाया तो हमारा देश बेशक सुधर जाएगा। तो क्या समझ रखा है मेरी बेटी को? देखो बेटी, अच्छी खेती की तो एकड़ में कितना धान आएगा? 3 क्विंटल। कितना सही बोल गई है। मेरे फादर, तुम्हारे बेटी की अकलमंदी को जरा कम करके देखा था। बेटी,
थोड़ा नाच करके दिखाओ। इतनी बड़ी कलाकार हो तुम, तुमको डांस डायरेक्टर बना के फिल्म निकाला तो बेशक ऑस्कर मिलेगा उसको। आपने सही कहा, एक बार मेरी बेटी ने मुंबई टीवी में अपना प्रोग्राम दिखाया था। सही कहा, वो लोग ही ले सकते हैं ऐसे कला कला की खंड को। भैया। बेटी, मुझे लड़की पसंद है, तुरंत मुहूर्त निकलवाओ। आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ माता जी, अगर आपका बेटा भी एक बार मेरी बेटी को देख ले और अपनी रजामंदी दे दे तो हम लोग डांस करते हुए अपने घर चले जाएंगे। जरूरत नहीं है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं टालेगा। मैंने कहा मतलब हो गया। तेरी बहू। एक मर्द शादी से पहले ही माँ बाप की बात सुनता है, सुहागरात के बाद वो अपनी बीवी की ही बात मानता है और सुनता है। मेरे पास शादी के अलावा कोई चारा नहीं था, तुम्हें बिना बताए शादी की, इसलिए गुस्सा हो क्या माँ? मेरे बेटे ने इतना बड़ा काम किया है, मुझे गर्व हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। देखा मेरी माँ कितनी अच्छी है, मैंने कहा था ना माँ को गुस्सा नहीं आएगा। फूलो फलो सदा सुहागन रहो। उठो बेटी, इसे अंदर ले जाओ बेटा, जाओ बेटी। मेरे पापा, सोचा था कि माँ के पागलपन में मुझे भूल चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें याद हूँ। थोड़ा लूज है, देखो हमने शादी कर ली है, आशीर्वाद दीजिए। हाँ, सुखी रहो, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? जी मेरा नाम सुधा है। लक्ष्मी जैसी लग रही है। अरे क्या कर रहे हैं, गला घोट के मार डालेंगे क्या? नहीं रे, मैं बहू को कुछ समझाना चाहता हूँ। अच्छा तो ठीक है, गाल पे हाथ रख के बोलिए। तुम्हारे आने से इस घर पर से शनि का प्रभाव चला, हाँ, चला जाएगा। आप छोड़िए। अरे ठहरो तुम। देखो बेटी, इस घर में मेरे अलावा बाकी सब पागल हैं, और सबसे बड़ा पागल तो ये है, इसीलिए आपको कमरे में डाल के रखा है। तुम चलो 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 चलो। संतान प्राप्ति, सदा सुहागन रहो। क्या हुआ सासू माँ? क्या बताऊं, कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा। अब आपके बेटे की शादी आपके सामने नहीं हुई, इसलिए आपको दुख हो रहा है ना? हो चुकी शादी के बारे में दुखी नहीं हूँ, होने वाली सुहागरात के बारे में मैं डर रही हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? 27 साल होने के बाद भी छोटे नवाब की शादी क्यों नहीं की पता है? उसकी कुंडली में दोष है, 28 साल तक वो घर नहीं बसा सकता। अगर ऐसा किया तो प्राण संकट है, ऐसा ज्योतिष ने कहा है। बेटा बड़ा तो हो गया, लेकिन ये बात मैं उसे बता ना सकी। अब कोई चारा नहीं है, इसीलिए तुझे तुझे बता रही हूँ। और 1 साल तक तू क्या करेगी, कैसे रोकेगी अपने आप को? उसकी जान अब तेरे हाथ में है, तेरे हाथ में है बेटी, तेरे हाथ में। मैं अपने सुहाग को जरूर बचाऊंगी, जब तक आप नहीं कहेंगी मैं उनसे दूर ही रहूंगी। लेकिन वो मर्द है बेटी। मैं औरत हूँ सासू माँ, जो ठान लिया वही करूंगी, आप चिंता मत कीजिए। क्या कहूँ बेटी, ऐसा श्राप कोई दुश्मन को भी ना दे। ऐसा करने से तुम दोनों के बीच कोई मन दुखाव ना हो, वो देखना। तारों का जमीन पर है मिलन। क्या हुआ छोटे नवाब, आपके हाथ तो ऐसे हिल रहे हैं जैसे कि आप ढोलक बजाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरी पहली रात है ना, और मुझे अंदर क्या करना है, उससे क्या बात करनी है, मैं नहीं जानता, थोड़ी घबराहट हो रही है। बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता हूँ, इसीलिए तो मैंने आपसे एक बार कहा था कि आप भी पंप सेट की ओर चले जाएं,
थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। लेकिन मेरी बात मानी ना मानते हुए मैं श्री रामचंद्र हूँ ऐसा पोज दे रहे थे, अब क्या हुआ, क्या हुआ बताइए, पूरे बदन से पसीना निकल रहा है। मेरे बाप डराओ मत, ये बताओ क्या करना है। एक काम कीजिए, सीधा कमरे में चले जाइए, अंदर जाने के बाद जेब में से 50 रुपये का नोट निकाल लीजिए, निकाल लिए ना अब वो पीतल के ग्लास में दूध लेकर आएगी, लेकर आई ना अब इधर उधर देख के 50 रुपये का नोट झटक के उसके ब्लाउज में डाल दीजिए। उसके बाद देखिए मेरे बागलपुर के बैगन, अब तक इधर ही है आप। अब कुछ बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता हूँ, अंदर जा। प्यार से बात नहीं कर सकती, कौन तुमसे शादी करेगी, कौन तुम्हारा घर बसाएगी, चली जाओ यहाँ से। समझ गया, उस दिन तुमने ये शादी मेरे लिए नहीं की, अपनी इज्जत बचाने के लिए की, अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए की, मुझे पसंद करके नहीं की। तुम्हारी नजरों में मैं अनपढ़ गवार हूँ इसलिए तुम्हारा पति बनने लायक नहीं हूँ। मैं तुम पर जान देता हूँ इसलिए तरस खाकर मुझसे शादी की, तुम्हारी इच्छा के बिना मैं तुम्हें छूना नहीं चाहता। देखो तेरा पति और एक मर्द होने के नाते मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं इंसान हूं, पति के साथ का मतलब समझकर और उसके नाम के मंगलसूत्र की अहमियत समझकर जब तुम अपने आप मेरे पास आओगी तब तुम्हें पत्नी मानूंगा। गौरी ये किसके लिए है? बड़े मालिक के लिए। ससुर जी के लिए ऐसा खाना? सासू माँ देखेंगी तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। रोजी ऐसा खाना देने के लिए उन्होंने ही कहा है मालकिन। ठीक है मुझे दो। खाना खा लीजिए ना बाबूजी। बाबूजी? हाँ मैं आपकी बहू हूँ ना। बहू? तुझसे अच्छी तो मेरी बीवी है, कम से कम एक बेटा पैदा होने तक तो उसने मेरा साथ दिया। तूने तो पहली ही रात में पति को बाहर निकाल दिया। वो क्या है उनकी कुंडली में लिखा गया है कि 27 साल के होने तक वो अपना घर नहीं बसा सकते, नहीं तो उनकी जान को खतरा है। प्राण को संकट है? ये किसने कहा तुमसे? सासू माँ ने। तो ये उसका उगला हुआ विष है। मेरे बेटे के नसीब में ऐसा कोई भी दोष नहीं है बेटी। फिर सासू माँ ने ऐसा? उसने तुमसे झूठ बोला। क्यों? वो ये समझ गई कि तुम्हारे सामने उसका कोई खेल नहीं चलने वाला। तुम दोनों को अलग करके किसी बेवकूफ लड़की को बहू बनाकर उसने पूरी जायदाद हड़पने की योजना बनाई है। उसके हाथ की कठपुतली ना बनकर तुम उसे इंसान बना दो बेटी, वो कोई देवी नहीं बल्कि नागिन है, इस बात का एहसास करा दो उसे। ठीक है अब मैं भी उन्हें दिखा कर रहूंगी कि मेरा असली रंग क्या है। मुंह बंद कर। माँ मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे पैदा किया है और किसी रोड से उठाई हुई लड़की को लाकर अपनी माँ से कह रहा है? जाओ उसे लेकर निकल जाओ यहाँ से। देखिए मैडम ये बुश की बेटी नालायक नहीं है, आपके बेटे ने लव किया है बोला, शादी कर लो बोला, मंगल सूत्र पहनाऊंगा बोला, पहनाओ बोला, अब आप चले जाएंगे बोल रहे हैं, चले जाएंगे, हमारे पास कोई कमी नहीं है। रशिया में रबर की फैक्ट्री, सिडनी में सीमेंट की फैक्ट्री, दुबई में दूध की फैक्ट्री, अमेरिका में 62 बिल्डिंगों के मालिक हैं हम, जाकर ठाट से जिएंगे। कमॉन कमॉन। सुनिए आप रुक जाइए। बेटे उस दरिद्र को जाने दो। व्हाट डू यू मीन? हम दरिद्र हैं? रशिया में दो हो चाहे 10 हो तुम चुप रहो। माँ आशीर्वाद देने की जगह कोस क्यों रही हो? वो बात नहीं है बेटा, उनकी जात क्या है, कुल क्या है, आजकल जात पात कौन मानता है। सुधा और मैंने ऐसी शादी की थी तब तुमने कुछ कहा था क्या? मेरे साथ न्याय और छोटे के साथ अन्याय, इन दोनों ने प्यार करके शादी की है, इसमें गलती क्या है? ए माँ तो बोलती रहेगी तुम लड़की को लेकर अंदर जाओ। वो बात नहीं है बेटा। तुम कुछ मत कहो, मेरे साथ आओ। आओ अजी उषु जी। मेरा नाम उषु नहीं बुश, बुश उषु जो भी है, आइए। किधर? घर के अंदर। क्या ये घर है? मैं तो झोपड़ी समझा। तेरी तो इतना बड़ा घर तुझे झोपड़ी दिख रही है? या इसे यहाँ रखो और मोगरे लेकर आओ, और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। छोटे नवाब ये केले कहाँ रखूँ मैं? दूंगा एक तो बेहोश हो जाएगा। हा? पूरा जाल लेकर आओ, आज छोटे की सुहागरात है, सुनाई नहीं देता क्या? छोटे की सुहागरात है, लेकर आता। अच्छी तरह सुन लिया ना, आज रात को छोटे की सुहागरात है।
मालिक यह अगरबत्ती कहाँ जला कर रख दूँ? वहाँ कोने में जला दो, बढ़िया खुशबू आनी चाहिए, आज सुहाग रात है। अरे नवाब, आप बार बार सुहाग रात क्यों बोलते हैं? मुझे पंपशेट की याद आ जाती है। तू चुप कर, और कुछ भूला तो नहीं ना? भूल गए हैं। क्या? तराजू। तराजू? उसका सुहागरात में क्या काम? तोलने के लिए। क्या तोलने के लिए? क्या छोटे नवाब, बोलूंगा तो बोलोगे बोलता है। ये सुहागरात का कमरा जैसा है क्या? एक तरफ फूल की दुकान है, एक तरफ मिठाई की दुकान लगी है। जैसे कि मैं बेचूंगा और आप खरीदने वाले। चुप रहे, सुहागरात में इतना तो खाना ही चाहिए। तू जाके दूध ले आ, मैं फैन ले आता हूँ। ठीक है, लेकर आता हूँ। कुछ कुछ रकम ये कहाँ ले जा रहे हैं? अपने छोटे के कमरे में फैन लेकर जा रहा हूँ। फैन नहीं, फैन। हाँ ठीक है, वही फैन लगाऊंगा तो कमरा ठंडा हो जाएगा उसका। अपने कमरे में रहेगा तो अपना कमरा भी ठंडा रहेगा ना। जिनको अपने पति के बगल में सोना गलत लगता है उनके लिए ठंडा क्या और गर्म क्या, चल जा। आप क्या सुहागरात के पीछे ही पड़े हैं? ओ यस। मतलब आपकी माँ जी की जान से ज्यादा आपको छोटे की सुहागरात प्यारी है? क्या कह रहे हो तुम? आपके छोटे भाई की कुंडली में माँ को खतरा लिखा हुआ है। माँ को खतरा? हाँ, 23 साल के होने से पहले अगर वो सुहागरात मनाएंगे तो। नहीं नहीं, मैं अपने मुँह से नहीं बोल सकती। बताओ, छोटा बहू के साथ सोएगा तो क्या होगा? तो सासू माँ मर जाएंगी। आपके भाई की कुंडली में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर वो 23 साल के होने से पहले सुहागरात मनाएंगे तो आपकी माँ की जान को खतरा है। इसीलिए तो उनकी शादी से हम लोग बहुत घबरा गए थे, पर अब क्या हो सकता है। आपके छोटे भाई 22 साल के हैं, 1 साल और अगर रुक जाए तो आपकी माँ की जान बच सकती है। छोटे छोटे रुक जा, छोटे 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 तो मेरे साथ आओ, आओ आओ मेरे साथ आओ। अरे आओ तो कहाँ चल रहा है? अरे मेरे साथ आओ, अर्जेंट है। ए उमेश, जल्दी आओ। हाँ छोटे नवाब। इसे पकड़ के रखना, छोड़ेगा तो मार खाएगा। मैं इसे हिलने तक नहीं दूंगा। तू माँ को जिंदा देखना चाहता है? क्या बोल रहा है तू भाई? तेरी कुंडली में माँ के लिए खतरा है, तू 23 साल तक घर मत बसाना। 23 साल? 23 साल का होने तक तू घर मत बसाना, उसके बाद तेरी बीवी तेरा कमरा तेरी मर्जी। इसके बीच में अगर तुझे लालच आ गया तो माँ मर जाएगी रे। ए उमेश, छोटे नवाब, आज से छोटे और उसकी बीवी को मिलने से रोकना तुम्हारा काम है, समझ गया? इन दोनों को अलग रखने के लिए तो मैं अपनी पलके तक नहीं झपकाऊंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी पलके और आपका जूता। पलक जूता? क्या कह रहे हैं साहब? कि अगर मैं पलके झपकू तो आप मुझे जूते से मारिएगा, ये इसका मीनिंग। आपसे छोटे साहब के बिस्तर पे मैं सोऊंगा और भाभी जी इनके ख्याल में भी नहीं आएंगी। और अगर गलती से भाभी जी इनके ख्याल में आ गई तो इनके गले में तुलसी की माला डाल दूंगा और बजरंग बलिये शरणम गच्छामि करवा दूंगा मैं। ए जी, ऐसे क्या देख रहे हैं? चलिए अब उधर सोइए, आइए। सासू माँ, कैसा लग रहा है आपको? आपने मुझे मेरे पति से जुदा कर दिया तो मैंने आपके बेटे को आपकी बहू से जुदा कर दिया। इसी को कहते हैं टिट फॉर टैट, हिंदी में चाल के ऊपर चाल। कैसा रहा सासू माँ? तेरी इस चाल की मैं दाद देती हूँ, लेकिन मैं मजबूर थी। बहुत अच्छा खेला तूने। आप इसे तो सीखा है सासू माँ। लेकिन एक बात याद रखना, मैं इस खेल में माहिर हूँ, तुम अभी बच्ची हो। मुझसे जो टकराएगा वो टिक नहीं पाएगा। अब तक आपने नए खिलाड़ियों के साथ खेला होगा सासू माँ, मुझ जैसे माहिर खिलाड़ी से आपका पाला नहीं पड़ा। मेरे सामने खेलना खतरनाक है। खतरा नहीं होगा तो खेल में मजा कैसे आएगा सासू माँ? आप जैसे खिलाड़ी के साथ खेलने का मौका बार बार कहाँ मिलता है। अब आया ना, अब देख लेना। देखते हैं, अब जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए सासू माँ। चलिए ना। रास्कल, तूने मुझे इतना चीप समझा है क्या? इसलिए मुझे गुस्सा आता है। बुलाने वाला मैं नहीं बल्कि आपके पति है। मेरे पति वहाँ है। उधर है ना वो, जाइए जल्दी जाइए। ओह डार्लिंग, ओह डार्लिंग, ए। अरे क्या है, टाइम तो देखो। चादर हटाओ डार्लिंग, देर करोगी तो उमेश आ जाएगा। छी, मुझे शर्म आ रही है, वो लाइट बंद कीजिए। हाँ। आओ, एक चुम्मा दे दो। मैं नहीं दूंगी, आप ही लीजिए। ये क्या डार्लिंग, तुम्हारे मुंह से सिगार की बास आ रही है। ए, सिगार की बास कहकर मुझे इंसल्ट मत करो। छी, नखरे, मैंने पीठ पर नहीं पूछा, छाती पर। वो पीठ नहीं, छाती है। ए डार्लिंग, तूने लाइट ऑफ करने के लिए बोला था तो फिर ये आपको इतनी गंदी आदत है? मुझे कुछ मत कहो, इसी के साथ रहो और घर बसाओ। कोई बात नहीं साहब, हम दोनों घर बसाएं। अब वो जिंदगी भर सुहागरात नहीं मनाएंगे। Thank you.
आइए बाबूजी। कहाँ बेटी? इस अंधेरे कमरे से बाहर। नहीं, रहने दो बेटी, रोशनी में इंसानों का असली रूप नजर आता है। अब मैं वो देखकर सहन नहीं कर सकता। 9 महीने माँ के पेट में रहकर बाहर आने वाला बच्चा भी तो इस दुनिया की रोशनी को बर्दाश्त करता है। आपको जिंदगी की रोशनी से डरना नहीं चाहिए बाबूजी। आप इस घर के मालिक हैं, आप क्यों डरते हैं? इस घर का मालिक? ये बात तो मैं कब का भूल चुका हूँ बेटी। यही याद दिलाने के लिए मैं आपको बाहर ले जा रही हूँ, चलिए। आप तो चलने के लिए मेरे पैरों में शक्ति भी नहीं बची है बेटी। आपकी शक्ति मैं हूँ बाबूजी। Yes, he's your god. पागल, पागल। कौन है पागल? वो इस घर के ईश्वर है, ईश्वर, समझी? ए, तुम सीमा से बाहर हो रही हो। तो अच्छा बर्ताव किसे कहते हैं देवर जी? इतने सालों से इन्हें अंधेरे कमरे में बंद रखा और आज अगर मैं बाहर लेकर आई हूँ तो तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को बुरा लग रहा है? इस भोले इंसान पर पागलपन की मोहर लगाकर बरसों तक इन्हें कमरे में बंद रख छोड़ा। बेटी सुधा, बकना बंद करो, उसे अंदर ले जाओ। ये मुझसे नहीं होगा सासू माँ, ये बाहर ही रहेंगे। नहीं, ये तेरी सास की आज्ञा है। मैं नहीं मानूंगी, ये आपकी बहू की इच्छा है। मेरे सिस्टर के शासन को धिक्कार रही हो? शासन और राजमोहर का कप का अंत हो चुका है ना सासू माँ? पागल की तरह बात करोगी तो दांत तोड़ दूंगी। नखरे बंद करो और अंदर जाओ। इतनी जबान मत चलाइए सासू माँ, अगर एक हाथ पड़ा तो बोलती बंद हो जाएगी। अपने बेटे की तरह मुझे भी मुट्ठी में रखना चाहती हैं आप? हाथ काट के रख दूंगी आपका। बाबूजी की तरह मुझे भी काल कोठरी में भेजना चाहती हैं आप? काल कोठरी को जला कर रख दूंगी। बाल में फूल, मांग में सिंदूर, रंगीन साड़ियाँ, हाथ में चूड़ियाँ, ये सब जो आप पहन रही है ना, इनकी वजह से, आपके पति की वजह से। अगर कभी इन्हें बाहर ले जाना हो तो आप मना कर देती हैं। आप अपने आप को समझती क्या है? मैं ये सब कह सकती हूँ सासू माँ, लेकिन कहूंगी नहीं, क्योंकि बाबूजी की इज्जत करती हूँ, अपने पति से प्यार करती हूँ। आइए बाबूजी। ए नागेश्वरी, मैं जरा बाहर से होकर आता हूँ, घर का ख्याल रखना। चाचा जी। क्या बेटी, अब मुझे खिलाओगी? टाइम नहीं है, आपको बाद में खिलाऊंगी, जरा सासू जी को संभालिएगा, बीपी शायद बढ़ गया होगा। अरे बाप रे, ये कोई मामूली पीतल नहीं है, नंबर वन पीतल लगता है मुझे। छोटे नवाब, छोटे नवाब, छोटे नवाब, छोटे नवाब, छोटे नवाब, छोटी मालकिन आपके लिए कोई बड़ा बंदोबस्त कर रही है। ए, करती है तो करने दे, मुझे क्या? आप समझे नहीं साहब, एक आध घंटे के लिए अंदर होकर के। हरगिज नहीं, इतना विश्रम नहीं हूँ कि एक बार ना करने के बाद भी जाऊं। वो क्या, स्वर्ग से अगर रंभा भी आ जाए ना तो भी, 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 भी पे आपका रिकॉर्ड रुक गया। सुनिए, ये साड़ी आपको बहुत पसंद है ना? बढ़िया। और ये ब्लाउज भी आपको बहुत पसंद है ना? सेट कर रहा है। लेकिन घर बसाने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है ना? मैं कैसे लग रही हूँ? ब्रा, 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 ब्रह्मांड की परी लग रही हूँ। अबे ओए, वो तेरी बीवी है, मेरी भाभी। क्या कह रहे हैं? वो मेरी बीवी है, तेरी भाभी, तेरी माँ के समान। सुनिए, पति पत्नी बात कर रहे हो तो बीच में क्यों बोल रहे हो? जाओ यहाँ से। ए, तेरे मेरे बीच में ऐसा क्या है? और तू क्यों बैठा है? इतना देखने के बाद भी अब नहीं उठूंगा क्या? जाता हूँ मैं। तुम चुपचाप बैठो। कैसे बैठूं मैं इधर? उधर खेत सूख रहा है मेरा, पंप सेट में जाकर मुझे पंप ऑन करना है। कल ही तो खेत में पानी छोड़ा था ना। धूप बहुत ज्यादा है ना, बार बार सूख जाता है, फिर से पानी डालना होगा। अब मुझे समझ में आया कि तू अभी पंप सेट पे क्यों जाना चाहते हो। तू मर भी जाएगा तो भी नहीं जाएगा। मैं जिंदा रहूंगा तो भी जाऊंगा, मेरी आंखों के सामने खेत सूख रहा है तो मैं कैसे देख सकता हूँ? तुझे तो मैं सवेरे बताऊंगा। सवेरे तक जरा मेरा काम देख लीजिए ना। क्या मतलब? जब तू बुलाएगी तब आऊंगा, जब तू कहेगी जाऊंगा। मुझे नौकर समझाया क्या? मैं राजा का बेटा हूँ। नहीं आओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं आओगे? बिल्कुल नहीं आऊंगा। ठीक है, मैं भी देखती हूँ। अरे क्या देखेगी, मुझे बैंगन में भरता बोलती है? देख लूंगी, बहुत देखे। ये सब क्या है?
जब तुम मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं करते तो तुम्हारी साड़ी मैं क्यों पहनूं? ओ, ये बात है, तो वो ब्लाउज भी मेरी पसंद का है। ठीक है, ये लो। सुनो, वो ब्लाउज अपने पास रखो, तुम्हें पसंद नहीं है ना, इसलिए मैं नहीं पहनूंगी। मतलब अंदर तुम कैसी हो? कैसी मतलब? जैसी होनी चाहिए। अरे बाप रे, मतलब जब मैं पानी पीने के लिए अंदर आऊंगा तो मैं वो भी देख लूंगा जो मुझे नहीं देखना चाहिए। क्या होता है मतलब? हाँ, दम है तो आ जाओ, आओ ना। वैसे तो मैं नहीं आता, लेकिन तुमने दम की बात की इसलिए आ रहा हूँ। आ गया तो धूम मचा दूंगा। अरे कहाँ गई है? तुमने कहा था ना कि धूम मचा दोगे, तो फिर आओ ना। ऐसी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अरे बाप रे, मुझे कुछ हो रहा है। क्या बाप रे? हो रहा है? नहीं, मैं समझ करो, नहीं मेरी चुम्मी, चुम्मी मत लेना। गलू तो? अरे बाप रे, ये तुम क्या कर रही हो? देखो ऐसा मत करो, मुझे कुछ कुछ हो रहा है। नहीं नहीं, चुम्मा मत लेना, मत लेना, चुम्मा मत लेना, चुम्मा मत लेना, मत लेना, चुम्मा मत लेना। छोटे नवाब। अरे माँ, माँ बुला रही है। बाद में जा सकते हो ना, आओ। तुझे ना बुला रही हूँ, सुनाई नहीं दिया? हाँ सुनाई दे रहा है। अभी यहाँ मैं और तेरी बहू बातचीत कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद आऊंगा। मेरी बात सुनो बेटा, बाहर आ जाओ। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। भूलिए ना, नहीं आऊंगा। नहीं जाऊंगा, तुम्हारा गुस्सा होगी, तुरंत आता हूँ। तुम सोना मत, तुम सोना मत, मैं सोना। क्या हुआ माँ? हर रोज बाहर सो रहा था ना बेटा। वो बाहर है ना, ठंड लग रही थी। यहाँ गर्म है, सो जाओ यहाँ। अंदर ज्यादा गर्म है माँ। ये आषाढ़ का महीना है, इस माह में नए शादी वालों को एक साथ नहीं रहना चाहिए। ये आषाढ़ मास है? हाँ, आज से शुरू हुआ है। वो शायद कल से होगा माँ, तुमने कैलेंडर ठीक से नहीं देखा होगा। शाम को पंडित जी आकर बता कर गए। ऐसा है क्या? वो क्यों आया था? मैं सुधा को बता कर आता हूँ। ये बात बता कर आ सकोगे? थोड़ा मुश्किल काम है। चलो सो जाओ। हाँ, सो जाऊंगा, सो जाऊंगा, सो जाऊंगा। छोटे नवाब जी, छोटी मालकिन को देखा नहीं, कैसी लगती है? रोटी में दाल जैसी लगती है वैसे ही। पहले काम देखो, बहुत काम है मुझे। देखो भाभी, छोटे नवाब को दुल्हन की बात नहीं करनी, उन्हें बस काम से मतलब है। नया दूल्हा है ना। बहुत हंस लिया, चलो आप काम करो। ओ, ये यहाँ क्या कर रही है? ऐसा लग रहा है जैसे ये यहाँ पर मेले में घूमने के लिए आई हुई है। ला 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 ला। ए, उधर देखो। तुम्हें यहाँ पर क्यों आई हो? तुम यहाँ क्यों हो? मैं तो यहाँ काम करने आया हूँ। मैं भी यहाँ काम करने ही आई हूँ। झोपड़ी में चले आओ ना। अरे बाप रे, झोपड़ी में क्यों? खाना लेकर आई हूँ, मच्छी कड़ी भी है। मच्छी कड़ी लाई हो? दे दो, बहुत सी दे दो। वो वहाँ रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। गरम गरम है, आओ ना। ऐसे मेरे ऊपर क्यों चढ़ रही हो? सब लोग देख रहे हैं ना। देखने दो, क्या हो गया? मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना। चलो ना, चलो। पूरे गाँव के सामने तमाशा क्यों कर रही हो? आओ चलो। अरे देखो, वो वहाँ कोने में जा रहे हैं। खाने की बात कह के कड़ी क्यों लगा रही हो? ऐसे क्यों देख रही हो? मेरे दिल में कुछ कुछ हो रहा है। आगे मत पढ़ना, मेरे दिमाग में पाप आ रहा है। देखो इस तरह मत छुओ, नहीं तो गलती हो जाएगी। मेरा पूरा बदन कांप रहा है। अब मैं क्या करूं, रहा नहीं जा रहा है। इस तरह मत काटो, मैं रुक नहीं पाऊंगा। तो रोका किसने है? शुरू हो जा। शुरू होना चाहता हूँ, लेकिन माने का आषाढ़ में मत मिलना। माँ जी ने ऐसा किस लिए कहा जानते हो? बोलती अच्छा नहीं होगा। किस लिए? उसके लिए। आषाढ़ में मिले तो बच्चे चैत्र में पैदा होंगे, चैत्र में गर्मी का मौसम होता है, गर्मी की वजह से माँ और बच्चे बीमार हो जाएंगे, इसीलिए कहा कि आषाढ़ में मत मिलो। देखा ना, मेरी माँ को तुझसे और तेरे होने वाले बच्चे से कितना प्यार है। मैं बोरिंग चालू करके आया हूँ, पूरा पानी बह जाएगा। तुम घर जाके सो जाओ। घर क्यों? अरे बाप रे, तो कुछ देर और रुकी तो यहीं पर बच्चा पैदा हो जाएगा। बच्चे नहीं होने की दवा लेकर आई हूँ मैं। ये दवा क्या है, क्या है बताओ ना।
कौन सी दवा है? निरोध, हम जैसे लोगों के लिए सरकार ने इसे बनाया है। अरे मेरी कटोरी की मलाई, ये बात तो मुझे अब बता रही हो तुरंत ही। हाँ। पर हाँ, तुम्हारी भी तो ये पहली पहली शादी है ना, तुम्हें इस दवा का कैसे पता चला? देखिए, मुझे मेरी एक सहेली ने बताया था इसके बारे में। अरे रे, तेरी केरी के खेत में गन्ना हो गए। हाँ, इसे पानी से लेना है या दूध से लेना है बताओ। हे भगवान, मैं इसे कैसे समझा? देखो, ए, चल कैसे बात करती है? देखो, अब इस तरह से शर्माना बंद करो, समझी? चलो ना। जय निरोध। भाभी, क्या है? मैं घर चली जाऊंगी। तुम्हें क्या हुआ है? तेरे भैया याद आ रहे हैं। ओहो, तेरी भी कमाल है। दरवाजा क्यों हिला? डिग 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 डिग, उसमें क्यों कड़ी लगी? डिग 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 डिग, खटिया क्यों टूट गई? क्यों कर पसीना आया? जरा बता दे राजा बाबू होए। हवाओं की वजह से दरवाजा हिल गया। वही 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 वही, घंटी जब बज रही थी, कड़िया धोखे से लगी थी। सुन ले रे पगले भोले, बातें हैं क्या ये बता देना।
बहादुर हैं, शेर जैसे हैं, फिर अपनी माँ को देखते बिल्ली क्यों बन जाते हैं? उनसे इतना डरते क्यों हैं? अरे पगली, वो डर नहीं, प्रेम है। आप उनसे प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करती हैं क्या? और नहीं तो क्या, वो मुझ पर अपनी जान देती हैं। वो आप पर जान नहीं देती हैं, वो आपकी जायदाद पर अपनी जान देती हैं। उनका प्यार एक ढोंग है, आप उनसे सवाल जवाब करेंगे, इसीलिए तो आपको पढ़ाया लिखाया नहीं। आपकी महान माँ ने आपको पढ़ाया लिखाया नहीं, लेकिन अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया है। बोलिए क्यों? क्योंकि उनका बेटा होशियार बने। भगवान जैसे आपके पिताजी को पागल बनाकर काल कोठरी में धकेल दिया। उनकी बात पर कोई यकीन ना करे, इसलिए सबसे कह दिया कि वो पागल हैं और उनसे दूर रहें। सांप में तो थोड़ा सा ही जहर होता है, लेकिन आपकी माँ पूरी की पूरी जहरीली है। तेरी तो बेटा, ये क्या है? नहीं तो क्या करूँ माँ, कल की छोकरी तुझ पर लांछन लगाती है, कहती है तेरा प्यार दिखा हुआ है, तुझे मेरी जायदाद से मतलब है, इसलिए मेरी पढ़ाई रोकी, बाप को पागल बना दिया। देख, उस दिन तूने कहा फांसी लगा के मर जाऊंगी, इसलिए तुझसे शादी की। जब तुझे बहू बनाकर इस घर में लाया तो माँ ने तुझे पनाह दी, इसका एहसास भी नहीं है तुमको? छी, पशु घास खाकर दूध देते हैं, तुम दूध पी के विष उगल रही हो, तुझे तो मैं। उत्तेजित मत हो, मैं इसे सब कुछ समझा दूंगी, इसे मैंने कभी बहू नहीं समझा, बेटी ही समझा है। सुना, सुन लिया तुमने, तुझे बेटी बोल रही है, ऐसी देवी जैसी माँ पर लांछन लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? ये अनजान और ना समझ है, किसी ने इसे बहकाकर उसका मन खराब कर दिया है, तू चुप हो जा बेटा। मेरी माँ, माँ को कोई ऐसी बात कहेगा तो कोई बेटा कैसे चुप रहेगा, कैसे सहेगा, कैसे भरेगा और कैसे घर बसाएगा? हाँ भैया, जो कुछ हुआ उसका फैसला कर दो। माँ के पैर छूकर माफी मांगो। मांगोगी या घर से बाहर जाओगे? हम दोनों के बीच में जो बातें हो रही थी उन्हें पूरे घर वालों के सामने लेकर आए। इसी बात से मैं समझ गई कि आप अपनी बीवी से कितना कितना प्यार करते हैं। मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आपके माँ के पैर कभी नहीं छूंगी और ना माफी मांगूंगी। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं मेहनत करके कमा सकती हूँ। जाने से पहले एक बात कहूंगी, झूठ मीठा लगने वाला जहर है और सच कड़वा लगने वाला अमृत, ये बात आप जल्दी समझ जाएंगे। बेटी, जो बोलना है वो सब बोलने के बाद पांव छूकर सॉरी बोलने से सब माफ हो जाता है क्या? नो 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 नो, मैं नहीं मानूंगा, तुम भी मत मानो। भांजे, धक्का देकर निकाल दो इसे। मुझे क्यों धक्का दे रहे हो? नहीं तो क्या करूं, बच्ची से गलती हो गई, माने भी उसे माफ कर दिया है, फिर भड़काते क्यों? क्यों, हमसे कोई गलती नहीं होती, जाओ यहां से। मुझे राक्षसी मत समझो, मैं ब्रह्म राक्षसिनी हूँ। अब से इस घर में तुम खाने के लिए ही अपना मुंह खोलोगी, जाओ। खोल देना। कितनी सारी गड्डियाँ, कहाँ से चोरी करके लाए? ये नारियल में मारा गड्ढा, ये गुड़ में मारा गड्ढा, ये धान का मारा गड्ढा, ये मछली के तालाब का गड्ढा और ये एक्स्ट्रा गड्ढा। तुम कितने महान चोर हो मेरे पति जी। बुरा मत मानना। अरे बाप रे, तुम्हें अरे, तो अरे मेरी माता जी, क्या बात है, क्यों मार रही हो? मुझे मत मारो। मारना नहीं चाहिए, नहीं तो काट के रखना चाहिए। घर के पुराने नौकर पर हाथ उठा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और
नहीं तो क्या? आपके सुख दुख में साथ देने वाली आपकी बीवी, आपके फायदे नुकसान में आपके साथ रहने वाली, क्या आपके नौकर पर हाथ नहीं उठा सकती? क्या गलती की उसने? गुड़ की भट्टी में आग लगने से 2 लाख का नुकसान हुआ, ये संभाल नहीं सकता था? गुड़ की भट्टी को आग लगा दी? कब रे? मैं नहीं जानता हूँ छोटे नवाब, अगर मैं गुड़ बोलूंगा तो आप कोई गलत मतलब निकाल लेंगे छोटे नवाब। तूफान आने से अनाज बह गया, 2 लाख का नुकसान। तूफान आया था? कब आया था? मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई, मैं बोलूंगा तो गलत मतलब निकाल कर आप मुझे मारेंगे। तालाब में नारियल गिरने से मछलियां मर गई, 1 लाख का नुकसान। तालाब में नारियल गिरा था? वो कब गिरा? अरे बाप रे, अरे बाप रे, मेरे भगवान, मैं कुछ बोलूंगा तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। जो कभी जवाब नहीं देते वो मुझसे सवाल कर रहे हैं आज। ओ मेरे भगवान, क्यों तू मेरी इतनी बड़ी परीक्षा ले रहा है रे? अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो देखिए यहाँ लिखा है। ये किसने लिखा है? मुनीम जी ने। कहाँ है वो? मैं तो यहीं पर हूँ साहब। आज के अखबार में पढ़कर मेरी राशि का भविष्य बताओ जरा। आपका है साहब? या वृश्चिक राशि है ना, नेक्स्ट 10 मिनट में आपकी जिंदगी कुत्ते जैसी हो जाएगी। मुनीम जी साहब ये खाता पढ़िए। साहब पढ़कर दिखाइए। गुड़ की भट्टी को आग लगने से जो नुकसान हुआ 2 लाख रुपए, तूफान में धान बह जाने से नुकसान हुआ 1 लाख रुपए का। चुप 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 चुप, फट। बिना चश्मा के पढ़ेगा तो मतलब ही बदल जाएगा, दे इधर। गुड़ की भट्टी को आग लगने से आया लाभ 2 लाख रुपया, तूफान में धान बह जाने से आया फायदा 1.5 लाख रुपया। आग लगने से और तूफान आने से फायदा हुआ? या देखो मामा, बीबी ने पढ़ के बताया है इसमें नुकसान ही हुआ है। वो क्या है कि उनका कॉन्वेंट का पढ़ाई है ना, फायदे को नुकसान जैसा पढ़ते हैं। आप जरा अपना मुंह बंद रखेंगे। क्यों मुनीम जी, हिसाब में क्या गड़बड़ है जी? वो क्या है कि ए उमेश आ गया जी। ये ऐसे नहीं बताएंगे, गन लेकर आओ। अभी लाया। अब उसकी क्या जरूरत है? मार दो साहब, गोली सीने में घुसेगी तो जुबान सच बोलने लगेगी। मुझे मत मारिए, मेरे बाल बच्चे हैं। आपके मामा जी ने ऐसा कह के मुझसे गलत हिसाब लिखवाया। खाना देने वाले हाथ को काटता है। राम 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 राम, तेरे हाथ में कितने हैं मैंने कभी काउंट नहीं किया भांजे। मदर प्रॉमिस। चुप कर, ईमानदारी से बता कि पैसा कहाँ रखा है वरना जान से मारूंगा। नहीं भांजे, मामा को मारेगा तो पाप लगेगा। पाप लगेगा मेरा सिर? कंस को मार के कृष्ण को पाप लगा था क्या? आप ट्रिगर दबाइए, ये तुरंत उगल देगा अभी। उगलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है भांजे, जो खाया वो सब तेरी मामी के इलाज में खर्च हो गया, 1 पैसा भी नहीं है। फादर प्रॉमिस। अरे सांप, सांप देखो इधर, सांप है। हाँ, मैंने भी देखा, बहुत बड़ा सांप है। कहाँ गया? तेरे मामा के कमरे में जाकर तेरी मामी के गद्दे में घुस गया है। गद्दे का सांप है, गद्दे का सांप है वो। गद्दे का सांप है ना जी? आजकल बहुत घूम रहा है वो, मैं जाकर पकड़ता हूँ उसे। नागराजा बाहर आ। अरे अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे मेरी गादी, अरे मेरी गादी, मेरी गादी, छोड़ो। आपने जो गद्दे के अंदर जाते देखा उसी सांप की बात कर रहे हैं जीजा जी? वो तो मेरा पालतू सांप है जीजा जी। क्या कहा? वो आपका पालतू सांप है? हाँ, सांप को पूजा करेंगे तो बच्चे पैदा होंगे, ऐसा पता चला था हमें। रोज सांप के लिए किधर किधर घूमेंगे, इसीलिए एक परमानेंट सांप ले आए, उसे पालतू बना लिया। हाँ बेटा, पालतू सांप पूजा करते ही दूध पीकर एक गादी में सो जाता है। तो उसे एक बार बुला कर दिखाओ। सॉरी, अभी उसका रेस्ट टाइम है, वो बाहर नहीं है। उमेश, दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, जरा इस गद्दी को हिलाना तो। हिलाओ, हिलाओ। हिलाता हूँ। अरे नहीं, मेरे पालतू सांप को निकाल रहे हो? अरे वो मेरी इज्जत है, तुम हमारी इज्जत को निकाल रहे हो, हमारी बेइज्जती कर रहे हो, हमारे सांप को उठा रहे हो। अरे चलो रे, अगर चलो, चलो, इसमें सांप होता तो इनके इस तरह लौटने से वो मर चुका होता। हाँ, सच है, हिलाओ रे। देखा तुमने, ये नोटों की गड्डियां ही इस गद्दे का सांप है। क्यों चोर मामा, मुझे धोखा दे रहे थे? नहीं जी, इन्होंने आपको धोखा नहीं दिया है, आपकी देवी जैसी माँ को धोखा दिया है। एक बार देखिए सासू माँ को, अपने भाई की इस काली करतूत की वजह से बेचारी का सर कैसे झुक गया है। छी छी, आपकी मामा को इस तरह देखकर मुझे शर्मा रही है, तो बेचारी सासू माँ का क्या हाल हो रहा होगा। तुम मेरी माँ के सगे भाई हो, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। ए उमेश, कल से इन दोनों को मजदूरों के साथ में खेत पर काम करने के लिए लगा दो। सॉरी भांजे, हम वो काम नहीं कर सकते। हेलो मिस्टर। हाँ?
आपको तीनों वक्त मार मार के काम कराने का जिम्मा मेरा है। आज जितना हंसना है हंस लो। साहब पैसे लीजिए। माँ से कहो अलमारी में रख दे। क्यों जी, इतना सारा पैसा आप माँ जी के पास रखेंगे? तो माँ जी जिंदा है, वो आपको पसंद नहीं है क्या? क्या मतलब? मामा जी को तो देख ही लिया ना आपने, आपकी माँ अगर सो रही होंगी और बड़ा सा पत्थर मार कर ये पैसे लेकर भाग गए तो? तुम ठीक कहती हो, पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ये पैसे तुम अपने पास। मैं मुझे मार दिया तो? एक सांस के लिए अगर जान दे दोगी तो इतिहास बन जाओगी। अपनी सांस के लिए तुम इतना भी त्याग नहीं कर सकती बेटी। ठीक है, आप कह रहे हैं तो जरूर करूंगी। मैंने तो इसे मामूली पीतल समझा था। ये कोई मामूली पीतल नहीं, बहुत तगड़ा पीतल है। शाबाश, अच्छा किरदार निभाया, अच्छी एक्टर हो। ये बात तो सब जानते हैं सासू माँ, और आप भी थोड़ी देर में समझ जाएंगी। पगली, मैं तेरे से बहुत बड़ी एक्टर हूँ। मैंने जब एक्टिंग करना शुरू की तब तू पैदा भी नहीं हुई थी। मैं ऐसा बोलूंगी ना कि मेरा कहा तेरी समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि तेरे में अक्ल थोड़ी कम है। बहू की अकलमंदी को दाद देने वाली सासू माँ बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। मैं तो खुशकिस्मत हूँ, इतने दिनों तक आपकी चाल को मात देती रही, इससे तो खुशी हुई होगी ना आपको, है ना? लंबाई कितनी है ये न जानते हुए उछलेगी तो मुंह से दांत निकल आएंगे, ऐसा मैंने नहीं कहा। इतना आपको कहने की जरूरत भी नहीं है सासू माँ, ये सब तो मैं भी जानती हूँ। और एक बात सासू माँ, इस बार थोड़ा संभल कर रहना होगा आपको अगली चाल के लिए। 20 साल की लड़की होकर जो मुंह में आए वही बके जा रही हो तुम। 60 साल का तजुर्बा है मुझे, मैं तेरी तरह बकूंगी नहीं। 60 साल की होने पर आपको रिटायर होकर अपनी 20 साल की बहू को सारे अधिकार देने चाहिए, ऐसा नहीं लगता आपको? मेरी बात सुनो बेटी, मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई, पहले बता देती तो तुम डर जाती, इसलिए अभी बता रही हूँ। ठीक 24 घंटों में, मतलब कल दोपहर 12 बजे के अंदर ये पेटी तू अपने हाथों से मुझे सौंपेगी। वैसा नहीं हुआ ना तो मेरा नाम नागेश्वरी नहीं। हमारी इज्जत को नीलाम मत करो, सास की तरह नहीं माँ की तरह कह रही हूँ, मत जाओ। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? बेटी मैके जाना चाहती है। बेटा क्यों, यहाँ क्या कमी है? इन्होंने डॉक्टरी पढ़ी है, शहर में अस्पताल खोलना चाहते हैं, इसलिए पैसे चाहिए। उसके लिए आपकी माँ ने क्या कहा पता है? ये सब छोटे नवाब की जायदाद है, ऐरे गहरे को दान करने के लिए नहीं है। हाँ, ये पूरी जायदाद मेरे भाई की है, अब तक मेरी पढ़ाई पे बहुत सारे पैसे खर्च हो चुके हैं, अब अस्पताल बनाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? इसीलिए कह रही हूँ मैं जा रही हूँ, मेरे बाप की भी हैसियत है। तूने अगर घर छोड़ दिया ना तो मैं फांसी लगा कर मर जाऊंगी। कैसी बात कर रही हो, तुम्हारे पति को अस्पताल बनवाना है, इतनी सी बात है ना? कितना पैसा लगेगा? 5-6 लाख रुपए। सुधा, कल जो पैसे दिए थे लेकर आओ। सोच क्या रही हो, जाओ लेकर आओ। नहीं बेटा, तूने मेहनत करके कमाया हुआ धन पराये को देने को कह रहे हो, इसलिए बेटी सोचती होगी। पराया कौन है माँ, मैं अपने भाई को दे रहा हूँ, मना करने वाली ये कौन होती है? जाओ लेकर आओ। रुको 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 रुको, मेरी सिस्टर का हैंड बहुत अच्छा है, सास को देना। हाँ, बेटी हाथ में दे दो। बेटा टाइम क्या हुआ है? टाइम बताओ। करेक्ट 1 मिनट कम है 12 बजने में। पर किस लिए माँ? 12 के बाद राहु काल आएगा ना, इसीलिए। सुनी जी, मैं क्या कह रही हूँ? वो क्या है? शहर में वैसे ही इतने सारे अस्पताल हैं, वहाँ आपके भाई एक और अस्पताल बनाएंगे, हमारे गांव में एक भी अस्पताल नहीं है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर नागेश्वरी के नाम से हम इस गांव में एक अस्पताल बनवा दे तो कैसा रहेगा? नागेश्वरी धर्म अस्पताल? हाँ जी, आपकी माँ जी के नाम का अस्पताल, आपके भाई वहाँ सबको जीवन दान देंगे, आपकी माँ जी का कितना नाम होगा, कितनी इज्जत बढ़ेगी, हम सबको कितनी खुशी होगी। अरे मेरी गन्ने के खेत में धान का पौधा, कितनी अच्छी बात बोली रे। देखा माँ,
देखा तुम्हारी बहू कितनी अकलमंद है। लेकिन बेटा इस गांव में अस्पताल बनाना उसके लिए। छोड़ो माँ, वो क्या जानता है, तेरे नाम का अस्पताल गांव में धूम मच जाएगी। भूमि पूजन का इंतजाम करता हूँ, रेडी रहो। मैं बस ऐसे ही पीतल पीतल नहीं चिल्लाता रहता हूँ, अब मत बोलना मैं बोलता हूँ। घबराइए मत, और जो रात को बोला था वो सब बोल दीजिए। मेरी अंडे की मुर्गी, मुझे क्यों घबराहट होगी, मैं तो धूम मचा दूंगा। हाँ। मेरा कहना है ये अस्पताल है, आप जानते हैं कि मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन मेरे छोटे भाई ने डॉक्टरी पढ़ी है। वो शहर में अस्पताल बनाना चाहता था, लेकिन मेरी बीवी इसी गांव में माँ के नाम पर अस्पताल बनाना चाहती थी, इसलिए नागेश्वरी धर्म अस्पताल मैं अपनी माँ के नाम पर खोलने जा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि हमारे अस्पताल में सभी गरीब लोगों को मुफ्त में दवाई देगा मेरा भाई। देखा छोटे नवाब, उद्घाटन किए हुए 10 मिनट भी नहीं हुए, अभी से पुलिस पेशेंट दौड़ के आ रहे हैं। यहाँ क्यों आए हैं? मेरा भाई अस्पताल गरीबों के लिए बना रहा है, पुलिस के लिए नहीं। हम ट्रीटमेंट के लिए नहीं आए हैं, आपका छोटा भाई डॉक्टर है या नहीं ये जाने के लिए आए हैं। जो बढ़िया की बकरी जैसी बात कर रहे हैं, लाखों खर्च करके मैंने उसको डॉक्टर बनाया है, रात रात भर जाग कर पढ़ाई की है उसने। अब बोलूंगा तो बोलेंगे कि बोलता है, डॉक्टरी ना पढ़ के अस्पताल क्यों बनवाएगा कोई। तो उनका सर्टिफिकेट दिखाने के लिए बोलिए। दिखाइए ना देवर जी, डर क्यों रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब एक मिनट। रास्कल, कितनी हिम्मत है तुझे। ए, मेरे भाई पर हाथ उठाता। रुकिए रुकिए, इंस्पेक्टर साहब आपने देवर जी को क्यों मारा? क्या वो कोई चोर है, खूनी है? हाँ, बिना MBBS पढ़े हुए डॉक्टर चोर कहलाता है। अगर कल ये किसी का इलाज करेगा तो ये खूनी भी हो सकता है। घूस देकर मेरा मुंह बंद करने की कोशिश की इसने, इसलिए मैंने इसको मारा। ऐसे देशद्रोही को छोड़ना नहीं चाहिए। कांस्टेबल सर, गिरफ्तार करो इसे। ऐसे साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, इसे अरेस्ट मत कीजिए। आज तक हमारे घर से कोई पुलिस स्टेशन नहीं गया। देवर जी की गलती की वजह से देखिए सासू माँ को कितना शर्मिंदा होना पड़ रहा है। उसे अरेस्ट करेंगे तो माँ को सहन नहीं होगा, ये गलती माफ कीजिए, उसे मैं सबक सिखाऊंगा, माँ की कसम। ये पहली गलती है इसलिए छोड़ रहा हूँ मैं। अब आपके भाई डॉक्टर भी नहीं है और ये अस्पताल भी नहीं रहेगा। कांस्टेबल सर चलो। अरे नालायक, पढ़ाई नहीं की चलता है, पैसे चलेगा चलता है, लेकिन गांव के सामने माँ का सर झुका दिया तुमने। बेटा उसे आप रुक जाइए सासू माँ, वो बहुत गुस्से में है, अगर आप भी गुस्सा करेंगी तो फिर देवर जी का क्या होगा। सासू माँ अगर आप चिल्लाएंगी उसे मार डालो, काट डालो और सबक सिखाओ तो देवर जी का क्या होगा। सासू माँ आप गुस्सा मत करिए सासू माँ। चलो कल से तू और तेरी बीवी मामा मामी की तरह खेत में काम करेंगे। ए उमेश ले जाओ इसे। छोटे नवाब ये सब मैं देख लूंगा। अरे बेटा इन पैसों का मैं क्या करूं? सुधा को दीजिए। बाबूजी अगर पैसे सासू माँ के हाथ से लूं तो शुभ होगा ना? छी छी छी, वो तो बहुत ही घटिया हाथ है बेटी, मेरे ही हाथ से ले लो। सासू माँ कैसा लगा मेरा दाव आपको? काल फट जाए वैसा खाओ है। छोटे नवाब एक के बाद एक इत्मीनान से इस्तेमाल करेगा, उसका क्या जाता है? ठीक है चलकर उसी से पूछते हैं। सुनिए तेरी आवाज को क्या हुआ? मेरी आवाज नहीं है, उनकी आवाज है, उनकी। यहाँ आइए। दिखाई नहीं देता, काम कर रहा हूँ, आता हूँ। जल्दी आइए ना, मुझे कुछ काम है। क्या है? हमें अब आषाढ़ की दवा की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? सवेरे श्रावण आ गया। मतलब सरेगमा पधा निसा। ओ मेरी दाल की खिचड़ी। चांदनी होए होती है क्या रागनी होए, तुझसे ही चांदनी
चांदनी चाहते कैसे जगे। क्या ये पता तुझको है दीवाने, हुई मैं तेरे दीवाने। दीवाना हुआ मैं तेरा दीवाना। लगा लगा प्रेम राग प्रेम की निशानी है, जगह जगह प्यार जागा प्यार की कहानी है। देखो मुझे चांदनी होए चाहते कैसे जगे होए होए। जन्म जन्म साथ रहे तेरा मेरा सजनी, जलने वाले जलते रहे। नस नस में तेरी चाहत तू है मेरा साजन, दुनिया से हम क्यों डरे। फिर आ जा ऐसी जगह हम चले, जगह जगह प्यार जागा प्यार की कहानी है। लगा लगा प्रेम राग प्रेम की निशानी है, देखो मुझे देख लो। होती है क्या चांदनी तुझसे शादी की थी तुझे छोड़ने के लिए, छी तुझे पकड़े रहने के लिए। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आपकी ऐसी हालत होगी सासू माँ। मेरी ओन सिस्टर, मेरी प्यारी बहन, क्या हुआ? मेरी पति की बहन, मेरी सास की बेटी, क्या हुआ दीदी? क्या हुआ बहन? अरे 20 साल पहले जैसे मैं सीढ़ी से फिसला था ना, वैसे तेरी बहन फिसल गई है। और जैसे मेरी कमर टूट गई थी वैसे इसकी कमर टूट गई है। अच्छा, जैसे आप पागल हो गए थे वैसे दीदी भी पागल हो जाएगी क्या? मेरी बहन आपके जैसा तेल पर पांव रखी थी क्या? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर ये सब आपको कैसे मालूम? वो एक्सपेक्ट किया था बस। हेलो, अब से तू भी सही देख करके चला कर, कहीं भी तेल हो सकता है, पैर फिसल सकता है। तेरा पैर फिसल गया तो तलाक के सिवा व्हीलचेयर नहीं मिलेगा। माँ क्या हुआ? माँ गिर कैसे गई? आप उठिए मत सासू माँ, मैं बताती हूँ। सासू माँ को चक्कर आए थे और वो सीढ़ियों से गिर गई। ज्यादा ऊपर से तो नहीं गिरी, चोट तो नहीं लगी ना माँ? बहुत चोट लगी है बेटा, 3 सीढ़ियाँ टूट गईं। चिंतित मत होइए साहब, मैं अभी जाकर मिस्त्री को लेकर आता हूँ, मुझे सिर्फ 1 घंटा लगेगा। माँ की बात छोड़कर मिस्त्री की बात कर रहा है? अरे माँ जी को देखने के लिए मैं टीबी मलेरिया को लेकर आया हूँ। बेचारी बीपी से मर रही है और तुम टीबी मलेरिया की बात कर रहे हो? अरे टीबी मलेरिया कोई रोग नहीं है, ये डॉक्टर का नाम है। टीबी उनका नाम है, मलेरिया उनका सरनेम है। बहुत बड़े डॉक्टर है, LKG UKG। हाँ क्या बताऊँ साहब, LKG इंडिया में पढ़ा और UKG फॉरेन में जाके पढ़ा। फॉरन है जी फॉरन। डॉक्टर साहब इधर आया हूँ। अरे बाप रे, वहाँ क्या कर रहे हैं आप? इस कुर्सी से लड़के गिर गए। अगर आप ये ऐसे गिरेंगे तो गिरने वालों का क्या इलाज करेंगे डॉक्टर साहब? देखो ऐसा मजाक मत करो, मैं चला जाऊंगा, ये पेशेंट मर जाएगी। डॉक्टर साहब आप देखिए। देखता हूँ।
नाड़ी बहुत अच्छा है, बुखार बुखार। जरा ठीक से देखकर बताइए डॉक्टर साहब। एक ही है क्या? दो सौ डिग्री का बुखार। हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि सासुमा बहुत बीमार है। हाँ सच है, तुम गीला कपड़ा करके माँ के माथे पर रखो। हाँ। देखो तुम लोग ऐसे ट्रीटमेंट करोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तुम शांत रहो बेटा। अरे डॉक्टर साहब जरा देखिए तो ब्लड प्रेशर है क्या? ब्लड प्रेशर बहुत ब्लड प्रेशर है। मतलब सासू माँ तीखा और नमक नहीं खा सकती? खा सकती हैं, लेकिन देना नहीं। तो आज के बाद इनको बिना नमक का खाना देना। डॉक्टर साहब इन्हें शुगर है क्या? नहीं, इस महीने का राशन नहीं लिया। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आपके घर में शुगर है या नहीं, इन्हें शुगर है या नहीं ये बताइए। वो शुगर। इतनी अच्छी खुशबू, घी की मिठाई जैसी महक रही है। मिठाई है क्या जी? आपके सासू जी के शरीर में मिठाई ज्यादा हो गई है, घसीटा राम स्वीट्स के मिठाई की तरह महक रही है। सासू माँ चावल भी नहीं खा सकती हैं? ना, बिना चावल के तो मेरी बहन रह नहीं पाएगी। अच्छी सी बिना नमक की कंजी पी सकती है। कभी कभी चिकन सूप ले सकती है क्या? बकरी मटन भी चाट सकती है, लेकिन तुरंत इसकी अर्थी उठानी पड़ेगी। अगर ये सब कुछ ये नहीं खा सकती तो क्या खाएगी? घास? हाँ, वो जितना चाहे उतना खा सकती है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, तीन वक्त के घास का कोटा लाकर मैं आपके सामने रख दूंगा। बीच बीच में सूखा घास खाने का मन करे तो वो भी आप मुझे बताइएगा, मैं खुद अपने घर से सारा घास लाकर आपके सामने रख दूंगा। आपको जितना मन करे खाते रहिए, लेकिन माँ जी आपको जिंदा रहना होगा, आपको जिंदा रहना होगा। डॉक्टर साहब कंजी पीने के बाद सासू माँ कुछ काम कर सकती हैं? क्या बेटी, सवेरे से सासू सासू कर रही है, वो जिंदा रहे ये नहीं चाहती हो क्या? मतलब हमेशा लिटा के रखना होगा? हाँ लिटा के रखना होगा। वो लेटी रहेगी तो काम कैसे चलेगा? घर में नौकरों को देखना है, मुनीम जी के यहाँ हिसाब किताब देखना है, दिन में 100 बार तिजोरी का ताला खोलना है। अगर वो बिस्तर से न उठे तो ये सब काम कौन देखेगा? हाँ बोलिए। मैं कुछ बोलूंगा तो बोलेंगे कि बोलता है। सुधा भाभी क्या कर रही है? सिर्फ खाती है और सोती है। ये तो पढ़ी लिखी है। आज जब माँ जी कष्ट में है तो अगर ये थोड़ा मदद कर देंगे तो घिस जाएंगे क्या? घिस जाऊंगी या पिघल जाऊंगी तुम्हें क्या? वैसे ही मैं बीकॉम पढ़ के इस घर में बहू बनकर आई थी, छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं। ओए बीकॉम पढ़ के कौन सा बड़ा काम कर लिया? पढ़े लिखे लोग घर नहीं बसाते, घर बसाते तो काम करते हैं। माँ घर की चाबी देना। अरे बेटा उसे कष्ट मत दो, बच्ची है। इतनी बड़ी औरत तुम्हें बच्ची लगती है? मैं भी देखता हूँ कैसे चाबी नहीं लेती। ला दो, दो। ये लो, आज से इस घर के सारे काम तुम्हें ही देखने। मैं आई हेल्प यू? मुंह बंद कर, तुम्हें अकेले सारे काम करने। गलती से भी ये चाबी या हिसाब किसी और के हाथ में दिखाई दिया तो खाल खींच लूंगा, बांध लो कमर में। चाबी भी हाथ से गई है। एक तो मेरी तबीयत खराब है और ऊपर से तुम रो क्यों रहे? जस्ट रोना आया तो रो नहीं क्या? नहीं। आई सी। सुनी जी, डॉक्टर ने कहा है सासू माँ को सिर्फ कंजी देना है, बहुत दुख हो रहा है, एक बार चावल दे दूं क्या? मार डालूंगा। ए उमेश, आज से माँ को सिर्फ काढ़ा पीने के लिए देना। आप भूल जाइए, मेरी पलके आपके जूते। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? आप बाप बनने वाले हैं। अरे मेरी मछली की तालाब में भंगड़ा, कितनी अच्छी बात बताई तूने। माँ तू दादी बनने वाली है, पापा तुम दादा बनने वाले हो, और उमेश तू 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 छोटे साहब का ताऊजी बनूंगा मैं। वोई वोई। आ गई? ये क्या? अच्छा खाना लाने के लिए कहा था ना, तुम तो खाली हाथ आ गई। अरे मैडम जी, ये मैडम जी तो उस मैडम जी से कंजी पी रही हैं, हमें क्या लाएंगी? हेलो हेलो हेलो। हाय जिमी। जिमी नहीं मम्मी, जिमी मतलब कुत्ता, मम्मी मतलब माँ। ओहो मम्मी, माय ड्रेस हाउ सेलेक्ट नाइफ। नाइफ नहीं वाइफ, नाइफ मतलब चाकू, वाइफ मतलब बीवी। मम्मी दिस गेटअप यू लाइक, हीरो जैसे लग रहे हैं। हाँ बेटे, अब उसे और तुझे देखूं तो पेट भरता है। तुम दोनों की जोड़ी
तोता और मैना के जैसे पूरे 100 साल तक जिए। थैंक्स डॉडी। यस माय सन। आई वाइफ गोइंग एनी मून। कैरी ऑन माय सन। कम ऑन माय डार्जिलिंग। टोटो बिल्ला। उमेश, इसे ऐसा देखने की मेरी सालों की तमन्ना पूरी हो गई। चलो शिरडी चलकर बाबा के दर्शन कराते हैं। ठीक है साहब, वहाँ नारियल टूटिंग्स, प्रसाद ईटिंग। ओह यस, सी फार्मर्स, इस बीच नारियल के सारे छिलके नहीं उतरे तो सिर तोड़िंग। सी वाइफ, टेक केयर। उम्स साहब, लेट्स गो। ऑफ कोर्स। टर्टल्स प्लीज साउंड हॉर्न। सिस्टर, अब यहाँ अपना गेम नहीं चलेगा, हम ये काम नहीं कर सकते। चलो सिंगापुर शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ कौन है? क्या री? अपनी वहाँ का बाप बुश है ना, वेरी रिच मैन। छोटा नहीं है, जाओ। समधी जी। ये फिगर तो कहीं देखा हुआ लगता है। ये फल कौन सा है? ताड़ी का फल। तेरी तो, तू तो बुश है ना? बुश तब था, अब हूँ तुश। तो ये गेटअप क्या है साहब? साहब जी, आपका मुंबई बम ब्लास्ट से कोई कनेक्शन है क्या? भेष बदल के घूम रहे हो? कौन सा भेष? यही अपना असली रूप है। भेष तो उस दिन बदला था। तो आप क्या सिंगापुर में ऐसे ही घूमते रहते हैं? सिंगापुर वो किधर है? सिंगापुर किधर है, क्या बोल रहे हो? सिलीगुड़ी। मतलब अमेरिका में 60 माले का बिल्डिंग, दुबई में दूध का फैक्ट्री। वो सब मेरे दामाद जी ने झूठ बोलने के लिए बोला था। झूठ? किस लिए? गरीब की लड़की बोलेंगे तो तुम लोग नहीं मानोगे, अमीर की लड़की बोलेंगे तो तुम लोग मान जाओगे, इसलिए झूठ बोलने के लिए बोला। सिलीगुड़ी में आपकी पोस्ट क्या है साहब? राम मंदिर है ना, उस मंदिर की 3 सीढ़ियां मेरी हैं। मतलब आप? और क्या, भगवान के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, भिखारी हूँ मैं। तेरी भीख पेटी में मेरा नारियल डालूं? कितना बड़ा धोखा किया रे। ये बैड टाइम क्या है सिस्टर, हमें फ्लॉप पर फ्लॉप मिल रहा है और वो लोग हिट पे हिट मारे जा रहे हैं। यही उसके लिए आखिरी हिट है। क्या आखिरी हिट? जस्ट अभी तो तोता मैना जैसी लंबी उम्र जियो, ये आशीर्वाद दिया है तुमने। तोता और मैना कभी मिलते नहीं भैया। गाने लगी है कोयल, कुकु 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 कुकु, बजने लगी है पायल, छन 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 छन, धीरे धीरे प्यार करो ना, ये इकरार करो ना, तेरे प्यार में पागल होने लगा।
चले जहाँ कोई न हो। ऐसी वैसी नहीं बातें करो। गाने लगी है कोयल कुकु 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 कुकु। बजने लगी है पायल छन 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 छन। धीरे धीरे प्यार करो ना ये इकरार करो ना। खेलते गाते गोबर उठाते बदबू बदबू क्या है ये। नमस्कार बदबू क्या साहब है क्या उस देश। मैं हूँ भाई सुधा का पापा। हेलो ब्रदर हाउ आर यू। अरे भाई साहब ये सब क्या है। वो होमवर्क होमवर्क। आज रविवार है ना तो मैं गोबर उठा रहा था। हॉबी हॉबी। वो ठीक है आप क्या सडनली संडे आ गए। वो क्या है चिट्ठी मिली कि बेटी के पाँव भारी है तो देखने चला आया। बेटा बेटी शहर गए हैं सिस्टर अकेली है। सिस्टर आइए बैठिए। बच्ची ने बचपन में ही माँ को खो दिया तो बड़े लाड़ से पाला है। आपको मेरी बेटी से कोई तकलीफ तो नहीं है ना। तकलीफ ना 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 ना। राम 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 राम। बिल्कुल तकलीफ नहीं है सब कुछ फुल टू हैप्पीनेस है ना बहन। हाँ भाई साहब बेटी की कमी पूरी कर रही है वो। उसकी माँ की कमी मेरी सिस्टर पूरा कर रही है। ये सब उसकी खुशकिस्मती है। बहन जी सुना है कि गर्भवती स्त्री अगर दूध में केसर डालकर पिए तो बच्चा गोरा पैदा होता है। आप रोज उसे दूध में डालकर पिला दीजिएगा। अगले हफ्ते मैं उसे देखने के लिए जरूर मौका निकाल कर आऊंगा। नमस्ते। नमस्ते। अरे अरे वाह इतनी सारी मिठाई मैं तो सारी खा जाऊंगी। वाह वाह मुझे दो ना। सिस्टर तुम भी खा लो जी फीका पड़ गया होगा। मुझे ये नहीं चाहिए। धतूरा मुरारी। हाँ माँ। जाकर थोड़ा धतूरा चूर्ण करके लाओ। जो धतूरा खाते हैं वो मर जाते हैं बहन तुझे क्यों चाहिए। मुझे नहीं जो पेट से है उसको उसके पेट में जो है उसको। मतलब मायके वालों के इस केसर में ससुराल का धतूरा मिला दूंगी। बेटी जैसी बहू सुहागन रहकर ही मर जाएगी। बेटा इसे आज तेरे ससुर आकर दे गए हैं बेटी को दे दो। ये क्या है माँ। केसर है बेटा गर्भवती स्त्री दूध में मिलाकर पिएगी तो होने वाला बच्चा गोरा पैदा होगा। गर्भवती औरत जिस आदमी की शक्ल ज्यादा देती है बच्चा उस जैसा होता है। मैं दरवाजा खोलती हूँ तो मामा जी या घर वाले दिखाई देते हैं इसीलिए मैंने आपकी फोटो लगा दी है हर तरफ। ये बात है तो तुरंत ये सारे फोटो निकाल कर माँ की फोटो लगा दो। माँ जैसी बेटी होगी। मुझे बेटा चाहिए। नहीं तुम्हें लड़की ही होगी। मुझे बेटा ही होगा। नहीं बोला तो नहीं। लड़की जब घर में घूमती है तो कितना अच्छा लगता है समझती क्यों नहीं हो। ये दूध में क्या मिला रहे हैं आप। हाँ जहर। तो मेरी बात नहीं मान रही हो ना इसलिए तो मैं मार डालूंगा। अगर आप मुझे हंसते हंसते जहर भी पिलाएंगे ना तब भी मैं पी लूंगी। अगर मैं आपके हाथों सुहागन मर जाऊं इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। ए अपना मुंह बंद करेगी। मर जाएगी ये केसर है तुम्हारे पिताजी देकर गए। देखा मेरे पिताजी मुझसे कितना प्यार करते हैं इसीलिए तो केसर लेकर आए हैं। मेरी माँ उससे भी ज्यादा प्यार करती है। कमरे में आते समय याद करके बुला कर दिया। ये ले पी जा। रुक जा। हाँ? इतने कम से काम नहीं चलेगा थोड़ा और मिलाता हूँ। अरे बस कीजिए पूरा एक ही दिन में पिला देंगे तो कल का क्या होगा। चिंता मत करो बाद में 100 रुपए और मंगा लूंगा पहले से पी लो। पी क्यों नहीं रही हो। पहली बार बच्ची के लिए कुछ पी रही हूँ ना इसलिए भगवान का आशीर्वाद लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है जा कर आओ। क्या हुआ गौरी। छोटी मालकिन आपकी सांस आपकी जान लेना चाहती है। गौरी क्या कह रही हो तुम। हाँ मालकिन आपके पिताजी जो केसर लाए उसमें धतूरा मिला है वो छोटे मालिक को दिया है। वो नहीं जानते कि इसमें जहर है। उन्होंने आपको दूध में मिला के दिया है। मत पीजिए मर जाएंगी। देर क्यों लगा रही हो दूध ठंडा हो जाएगा। वाह क्या पोज है। क्या ये कटार। ये लीजिए और काट डालिए मुझे। क्या रे
तू कहीं पागल तो नहीं हो गई? मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? किसी और के जहर से मरने से अच्छा है कि मैं आपके हाथों से कटकर मरूं। मार डालिए मुझे। उसमें जहर है? ओह, मैंने मजाक में जहर बोल दिया तो तुमने सच मान लिया? अरे पगली, आपने मजाक मजाक में सच कहा था, उसके सर में जहर है। उसमें जहर है? लेकिन वो तो तुम्हारे पिताजी लाए थे। मेरे पिताजी तो सिर्फ केसर लाए थे, लेकिन उसमें जहर मिलाया आपकी माँ ने, आपकी जहरीली माँ ने। आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, देवी की तरह पूछते हैं उन्हें। अगर मैं कहूंगी कि इसमें जहर है तो आप नहीं मानेंगे। आपकी माँ नाग देवता नहीं है, एक सांप है, जहरीली सांप। वो अपने ही बच्चे को जहर देकर मारना चाहती है। Hey, मुंह बंद कर। मेरी माँ देवी है, देवी। कोई माँ अपने बेटे को जहर दे सकती है क्या? आप नहीं मानेंगे ना कि आपकी माँ नाग देवता नहीं, एक सांप है। और कोई ये बात कहता तो उसकी जान ले लेता, लेकिन तुम अब तक सलामत खड़ी हो, क्योंकि मैं तुम पर यकीन करता हूँ। मामा को चोर कहा मान लिया, भाई को चलबज कहा तब भी मान लिया, लेकिन मेरी माँ, माँ को हत्यारण कहोगी तब भी मान लूंगा क्या? तुम्हें ये बात किसने बताई कि माँ ने दूध में जहर मिलाया है? तुम्हें कैसे पता चला? अगर तुमने ये बात साबित नहीं की तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बोलो बोलो। इसमें जहर है, आपकी माँ ने मिलाया है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो बुलाइए उन्हें, बुलाइए उन्हें और कहिए कि ये दूध पी कर दिखाए, तब आपको मेरी बात पर यकीन होगा। बुलाइए ना उन्हें, बुलाइए। पीने के लिए कहूंगा, अभी बुला के कहूंगा, लेकिन मेरी माँ ये दूध पीकर नहीं मरेगी। इस दूध में जहर मिलाया है, इस इल्जाम के दुख से मर जाएंगी, दिल टूटने से मर जाएंगी। हे भगवान, मैं इन्हें कैसे यकीन दिलाऊं, कैसे यकीन दिलाऊं कि इसमें जहर है? आपकी माँ ने इसमें जहर मिलाया है। मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ कि इसमें जहर है, इसमें जहर है, जहर है, जहर है। ठीक है, इस दूध में जहर मिला हुआ है ना, तो इसे साबित करने के लिए माँ का पीना जरूरी नहीं है, इसे मैं पीऊंगा। क्या किया आपने? चलिए हम डॉक्टर के पास चलते, डॉक्टर के पास चलेंगे, चलिए मेरा यकीन कीजिए। चलिए ना, आप रुकिए, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ, ठीक है? बिल्कुल नहीं, मैंने जहर नहीं पिया है, दूध पिया है। हाय भगवान, मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको? गौरी, मुनि जी, गौरी, गौरी, ये राक्षसी, मेरा सुहाग मिट जाएगा, मेरी मांग गुजर जाएगी, वो मरने वाले हैं। जाकर बता दो उन्हें कि दूध में जहर है, ताकि मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले जा सकूं, उनकी जान बचा सकूं। महान सासू माँ, मैं मानती हूँ मैंने आपके सामने सर उठाने की बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पति को बचा लीजिए, कैसे भी करके उन्हें डॉक्टर के पास भेजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं जानती हूँ कि आपका मन कभी नहीं पिघलेगा। अगर उन्हें कुछ हो गया तो तुम्हें भी जायदाद नहीं मिलेगी। एक एहसान करो मुझ पर, जाकर उनका ख्याल रखो, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। माँ, ये क्या बक रही है, तुमने सुना माँ? बहू पोते या पोती को जन्म न दे, इस बात से डरकर तुम इसे जहर पिलाना चाहती हो। सास और बहू की आपस में नहीं पटती, इसलिए तुम उसे सता रही हो, कोस रही हो और मारना चाहती हो। समझती है मैं उसके झूठ पर यकीन कर लूंगा माँ। अब गई है वो डॉक्टर को बुलाने, आने दो, वही बताएंगे इस दूध में जहर नहीं था। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। कोई माँ, कोई माँ अपने बेटे को जहर दे सकती है क्या? माँ तो जन्म देने वाली देवी होती है, जान लेने वाली राक्षसी नहीं। मेरे पिताजी तो सिर्फ केसर लाए थे, लेकिन उसमें जहर मिलाया आपकी माँ ने, आपकी माँ ने जहर मिलाया।
मैं तेरी मौसी नहीं हूँ बेटा, माँ हूँ। मेरे पेट में पल रहे बच्चे की बलि ले लो। माँ, नहीं माँ, तुम सिर मत झुकाओ, मैं सह नहीं सकता। बच्चा पैदा होते माँ का शब्द सीखता है, उसके बाद स्कूल जाके बहुत शब्द सीखता है, लेकिन मैं स्कूल नहीं गया ना, तेरी गोद में माँ शब्द के पास ही रुक गया। माँ, उन दो अक्षरों के सिवा तीसरा अक्षर मैंने सीखा ही नहीं। माँ, फिर मुझे ये सजा क्यों? माँ, ये खून देखो माँ, माँ माँ कह के पुकार रहा है, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दोगी ना माँ, तो भी मेरी हर बूंद से माँ का नाम ही सुनाई देगा। तुम अपनी बहू को क्यों मारना चाहती हो माँ? इस मामूली सी जायदाद के लिए? तुम्हें जायदाद ही चाहिए थी तो मुझसे कहती, छोटे नवाब इन जायदाद के कागजों पर दस्तखत कर दो, एक शब्द बोलती तो ये सारी जायदाद तुम्हारे कदमों पर बिछा देता। कहती मेरा प्यार तुम्हारे लिए मर गया है, इसलिए अब तुम भी मर जाओ, एक शब्द कहती तो मैं खुशी खुशी अपनी जान दे देता। माँ, अब यह जहर देकर तुम हत्यारण क्यों बन गई? माँ, मैं मरने वाला हूं। माँ, इतने दिनों तक जिसे देवी मानता रहा उसे हत्यारण बनाने का पाप लेकर मर रहा हूं। माँ, एक ख्वाहिश, आखिरी ख्वाहिश है, हमारे घर में औरतें शमशान नहीं जाती, लेकिन मेरे लिए तुम्हें आना है, मेरी चिता को आग तुम्हें ही लगानी है, तुम्हारे हाथों से पलाऊं, तुम्हारे हाथों जाना चाहता। डॉटर, छोटे नवाब को कमरे में ताला लगा कर रखा है, जैसे बैंक लॉकर में रखते हैं, तो बैंक रूल के हिसाब से अगर लॉकर खोलना है तो पहले दस्तखत करना पड़ता है। सेम, तुम इस कागज पर दस्तखत करो, मेरी सिस्टर तुम्हें की दे देगी, तुम डॉक्टर से जाके इलाज करवा लेना। तुम लोग इंसान नहीं हो, जानवर हो, जानवर। वो मर रहे हैं और तुम्हें जायदाद की पड़ी है, बोलो कहाँ दस्तखत करने हैं? जस्ट ए मिनट मुरारी, जरा भाभी जी का ऑटोग्राफ लेना बेटा। नहीं बेटी, तुम दस्तखत मत करना, पहले जाकर उसे बचा लो, ये लो चाबी। माँ, तू पागल हो गई है क्या? नहीं बेटा, इतने दिनों बाद आज पैसे की लालच छूटी है, हथियारों राक्षसों को भी मन रहता है। माँ बेटा भाई बोल बोल कर सोच रही थी, वो थोड़ा सा भी हमें नहीं है तो हम इंसान नहीं हैं। हम चाहे इंसान हैं चाहे पशु हैं, लेकिन हमें कैश चाहिए, कैश। छी छी। इंसान की तरह पैदा हुए हैं तो इंसानियत होनी चाहिए। मरते वक्त भी वो मुझे माँ बोल के पुकार रहा था, अब उसे कुछ हो गया ना तो मरने वाला छोटा नवाब नहीं, माँ के ऊपर का भरोसा मर जाएगा। आई सी। भगवान हर जगह नहीं रह पाते, इसीलिए उन्होंने माँ को जन्म दिया है, वो माँ ही अपने बेटे को मार देगी तो भगवान अब माँ को ही जन्म नहीं देगा,
संसार में माँ शब्द का मतलब ही नहीं रहेगा। भांजे, सुपर्णखा जैसी तेरी माँ लगता है सीता देवी बन गई। मेरा तो फ्यूज ही उड़ गया है। ये चाबी और कागज इधर दे दो। ये लो। ईमानदारी से वो कागज मुझे दो। शाबाश, अच्छा मारा रे। माँ बोल के यकीन दिलाकर उस यकीन करने वाले को मैंने ही विष दिया, और मेरे जैसी माँ को सगे बेटे के हाथ इतना दंड तो मिलना ही है। मेरे जैसी माँ ने तेरे जैसे बेटे को जन्म दिया तो भगवान शर्मिंदा होगा ही ना। मार मुझे, मार मार। अभी मारा है, कागज नहीं दोगी तो काट के रख दूंगा। मुझे मार दिया तो भी मैं नहीं दूंगी। तुझे मार के ले लूंगा मैं।
माँ, तुम्हारे आशीर्वाद ने ही मुझे बचाया। इस उम्र में माँ बाप का सहारा न बनने के लिए हमें माफ कर दो माँ, हमें माफ कर दो माँ। पैदा होते ही मैंने एक माँ को खो दिया था, अब मैं तुमसे भी दूर जा रहा हूं। सबकी तरह मेरी किस्मत में शायद माँ का प्यार नहीं लिखा है। तुम्हें थोड़ा सहारा मिलेगा, इसलिए सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर लिखकर जा रहा हूं। चलता हूं मां, मैं चला जाऊंगा, तब भी मेरा मन तुम्हारे आसपास रहेगा मां। पापा, मां को संभालना। माँ शब्द का मतलब समझाकर मुझे असली माँ बनाकर तो चला जाएगा, तो ये माँ जिंदा नहीं रह सकेगी। माँ, बेटा, जग को भुला देती है सगे माँ का प्रेम, शिशु भी पशु भी अपनी माँ की गोद में चैन से सोए